व्हाट्सअप इलेवन, वेलकम पीपल, कैसे हो? सारे स्वागत है आप सभी का ब्लूअर्स गेमर में। और आज हम लोग दोबारा खेलने को जा रहे हैं वापस द सेम गेम नेम GDF5। तो गाइस यार, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग गए थे यंगटन माफिया के सीक्रेट माउंटेन बेसमेंट में, जहां पर यंगटन माफिया को गॉडफादर के रिलेटेड काफी बड़ी बात पता चल चुकी थी। अब जिन लोगों को नहीं पता कि गॉडफादर है कौन, तो मैं आप लोगों को ना फटाफट चलकर बताता हूँ कि यार देखो यार, गॉडफादर ना डगन बॉस और डेविड चो इन दोनों का भी बॉस है और वो लोग उसे गॉडफादर के नाम से बुलाते हैं। अब देखो यार, आप लोग को ना ये गॉडफादर काफी ज्यादा आम लग रहा होगा, मतलब ऐसा लग रहा होगा कोई गैंगस्टर वगैरह है, लेकिन नहीं। तो भाई साहब यार देखो, उस भाई माफिया का पूरा एक आइलैंड है और वो एक आइलैंड पर रहता है जिस आइलैंड का नाम कायो पेरिको है। फिलहाल तो यहाँ पर फ्रैंकलिन बाइक लेकर आ चुका है। जैसे कि आप लोगों को बता था, लास्ट टाइम मैंने फ्रैंकलिन को यहाँ पर कॉल करके बुलाया और भाई साहब आते ही अपनी गाड़ी को नोटिस करके देखो भाई किस टाइप का इसका रिएक्शन है। भाई साहब पूरा भाई हल चुका है, मतलब यार इस टाइप की गाड़ी अब तक लॉस सैंटोस में कभी भी देखने को नहीं मिली। तो आप लोग को पता ही होगा कि इसकी ये जो गाड़ी है ये हम लोग ने कहाँ से चुराया था। अब देखो यार, जब हम लोग यंगटन माफिया के बेसमेंट में गए थे तब यंगटन माफिया ने हमें एक फोटो दिखाई थी जो कि हम लोग ने ही कायो पेरिको उसके आइलैंड में उसके मैंशन में जाकर खींची थी। अब उस फोटो में दो बंदे थे, एक तो भाई साहब अपना जाना पहचाना बंदा था जिसका नाम था सिमियन और दूसरा बंदा गॉडफादर था, लेकिन उसकी शक्ल थोड़ी सी ब्लर आ रही थी। तो बस अभी गाइस अपने को ना बस सिमियन को पकड़ना है, अगर हमारे हाथ सिमियन लग गया तो समझ लो गॉडफादर आराम से हमें पता चल जाएगा कौन है। तो यही हमें करना है, तो इसलिए हम लोग गए थे सिमियन के शोरूम में, लेकिन सिमियन भी वहाँ पर नहीं था। तो देखो यार, काफ़ी बड़ी यार प्रॉब्लम तो है ही छोटी छोटी लाइफ में, लेकिन उसके शोरूम से हम लोग ने फरारी डेटोना SP3 गाड़ी को चुरा लिया है। अब ये गाड़ी इतनी ज़्यादा गाइस क्रेजी है ना, इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, मैं ना यार इसका पीछे का देख कर ही भाई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ यार। यार लिटरली यार क्या गाड़ी है यार, इस टाइप की गाड़ी भाई यार क्या सही लग रही है। मतलब पीछे ये जो आप स्ट्रिप्स देख रहे हो ना लाइट के, 1, 2, 3, 4 जितने भी गए, ये इस गाड़ी के लुक को काफ़ी क्रेजी बनाते हैं पीछे से। ऊपर से तो भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है और सामने से ये इतनी ज़्यादा फ्लैट है ना भाई, मैं क्या ही कह सकता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। वैसे अभी गाइस हम लोग को आगे का प्लान ये करना है कि हमें सिमियन को यहाँ पर बुलाना है कॉल करके और उसको पकड़ के सीधा लेकर जाना है यंगटन माफिया के पास और फिर वो भाई साहब अपनी बोल को खोल देगा। वैसे मैं अभी चलकर फ्रैंकलिन से बात करता हूँ और इससे चलकर सिमियन का नंबर लेता हूँ, वरना एक काम करते हैं फ्रैंकलिन को ही बोल देता हूँ ना कि क्या हो गया यार। वैसे इसने अभी नहीं बोला जैसे मैंने सिमियन का नाम लिया, तेरे पास नंबर है क्या फ्रैंकलिन? क्योंकि फ्रैंकलिन पहले सिमियन से काम करता था, मतलब उसके अंडर काम चलता था उसका। तो देखते हैं यार, अगर इसके पास नंबर रहेगा तो हम लोग उसको कॉल करेंगे। तो चलो फ्रैंकलिन से मैं बात करता हूँ और उससे सिमियन का नंबर ले लेता हूँ और फिर कॉल करके देखते हैं कि सिमियन कॉल को उठाता है और क्या रिस्पॉन्स देता है। ऑलराइट गाइस, तो फ्रैंकलिन अपना लगा हुआ है सिमियन को कॉल लगाने में और यहाँ पर ना उसने 5 बार कॉल लगाया लेकिन सिमियन ने अभी भी उसके फ़ोन को नहीं उठाया। क्योंकि देखो यार, फ्रैंकलिन बता रहे कि ये सीन तब से हुआ है जब से मैंने उसको बिजनेस में धोखा दिया था, लेकिन एक मिनट, इसने मेरे को नंबर दिया था, अभी मैं ट्राई करने वाला उसको कॉल करने के लिए। तो चलो यही है सिमियन का नंबर। तो अभी तो उसने लाइन भी कट कर दी यार, पूरा बिजी आ रहा है कॉल। वैसे वेट अ सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास ना अभी सेकेंड ऑप्शन ही बचा है जो कि मेरे को फटाफट करना है। भाई बैठ जा माइकल, यार निकल गया फ्रैंकलिन। तो अभी गाइस सीधा हम लोग गाड़ी को लेकर जा रहे सिमियन के घर पे, क्योंकि यही सेकेंड ऑप्शन है कि उसके दरवाजे पर गाड़ी को लेकर जाना है और उसको सीधा पकड़ के घसीटते हुए निकालना है अपने घर से ही। तो एक सेकेंड, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बेनी है और यहाँ पर वो कार को अपने ट्रेलर पे लोड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पर अपने जो गाड़ी है ना, अभी 6 और यहाँ से सेल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा तो वैगनरी में देख रहा हूँ और टूरिज्मो की एक ही गाड़ी है जो कि अभी बंदे ने ऊपर की तरफ चढ़ाई। तो फिलहाल यार देख रहे हो गाइस, अपना जो बिजनेस है ना यार कार का, वो तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चल रहा है डीलरशिप का, लेकिन जो दूसरा बिजनेस मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ वो तो इससे भी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल मैं बात करूँ क्या इससे, वैसे ही अपने काम को कर देगा। तो चलो अभी एक काम करते हैं, हम लोग तो सीधा निकलते हैं सिमियन के घर को। और एक सेकंड, ये भाई साहब ड्रिफ्ट जिधर मिले उधर मारना स्टार्ट करता है। तो चलो चलो चलो, मैं अभी अपनी गाड़ी को अबे पागल इंसान, तूने बैनी को ही उड़ा दिया, क्या इंसान है रे तू, मत चला ऐसे, अभी लगेगा उसको।
वैसे चलो कोई ना गाइस, अभी ड्रिफ्ट मारना खत्म करते हैं और फटाफट से निकलते हैं, और ये आगे जाएगा तब भी मेरे को पता चलेगा ना यार। ओके, तो फिलहाल अभी मुझे ना लमार का कॉल आया था और लमार ने मुझे बताया कि उसे पांचों गाड़ियों के बारे में पता चल चुका है और उसने वो गाड़ियों को ढूंढ लिया है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है, लेकिन उसने जब ये शॉकिंग न्यूज़ बताई कि वो पांचों की पांचों अपनी गाड़ी किसी बहुत बड़े शोरूम में सेल को गए, तो ये सुनने के बाद तो गाइस मेरा दिमाग अभी ख़राब हो चुका है। फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं ना फ्रैंकलिन को बोल देता हूँ कि तुम जाकर ना सिमियन के घर पर जाओ और उसको उठाकर सीधा लेकर जाना यंगटन माफिया के बेसमेंट में। वैसे मैं अभी गाड़ी को लेकर सीधा निकल रहा हूँ जो लमार ने मुझे शोरूम का लोकेशन बताया वहाँ पे। और भाई साहब, जो भी बंदा रहने वाला है ना उस डीलर का, उस शोरूम का, भाई वो तो गलत तरीके से मेरे हाथों से पिटने वाले। और भाई भाई एक मिनट, अपना कंट्रोल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा था गाड़ी को लेकर, लेकिन कोई ना यार, इतनी ट्रैफिक लगी हुई है भाई साहब। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब तो भाई पूरा खाली था, लेकिन अभी तो देख रहा हूँ यहाँ पर कितने ज़्यादा भाई ट्रक भी चल रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड यार, मेरे को ना लेन चेंज करना है, क्योंकि देखो अभी मेरे को ना गाइस बहुत खतरनाक वाला शॉर्टकट मारना पड़ेगा। और भाई साहब एक तो स्पीड तो चला ले यार, कितना ज़्यादा डिस्टेंस रखा हुआ है। एक सेकेंड, अभी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेट्स गो। तो अभी देखो यार, मैं तो शॉर्टकट मारने वाला हूँ क्योंकि मेरे को लेन तो चेंज करनी पड़ेगी। तो चलो बस यहाँ से मेरे को भाई गलत लेन से जाना है, बस 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 आराम से गाड़ी को चलाते हुए मैं लेकर जाऊँगा। तो देखो अभी मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा खुल गया है यार, क्योंकि यार जिसने भी ये काम करा है ना भाई, वो डीलरशिप वाला तो बहुत गंदी तरह से आज मरने वाला है। और उसका भाई पूरा शोरूम भी मैं सोच रहा हूँ कि पूरा उड़ा दूंगा, मतलब यार ऐसा करता कौन है यार, चिंदी चोरी। एक सेकंड, और ये देखो यहाँ से आप लोग देख सकते हो वो शोरूम इजीली यहाँ से देखने को मिलता है, तो वहाँ पर ही हमें जाना है। एक बड़ी सी बिल्डिंग तो दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फॉग है, तो चलते हैं वहाँ पर ही। तो यहाँ से तो मैं अपनी गाड़ी को कूदा नहीं सकता, लेकिन ये देखो इस लेन को पकड़ते हुए मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट अपनी फरारी को फुल स्पीड भगाते हुए चलते, और लमार भी वहाँ पर ही हमारा वेट कर रहा है, तो लेट्स गो। एक टाइम को तो कोई बंदा गाड़ी को चुरा कर यार किसी सीक्रेट लोकेशन पर छुपाएगा, या तो भाई साहब अपने घर के गैराज में ही छुपा कर रखेगा। लेकिन भाई इस बंदे ने तो भाई लॉस सैंटोस में शोरूम में अपने पांचों गाड़ी को चोरी करके भाई डीलरशिप में डील कर रहा है। भाई ये बंदा सही में यार काफ़ी ज़्यादा गलत सीन कर रहा है। लेकिन ऐसी भी बात हो सकती है यार, कोई गैंगस्टर वालों ने अपने घर से गाड़ी को चोरी करा और जाकर उस डीलर को सेल करा, और उसको ये बात पता नहीं कि वो गाड़ी चोरी की है। लेकिन अभी देखो यार, बात कोई भी हो, एक चीज़ तो कंफर्म है कि वो डीलर वाला तो भाई मेरे हाथों से आज मरने वाला है। लेकिन एक सेकंड, अगर मैं सीधा जाऊंगा ना रास्ते से, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए मेरे को ना सही में काफ़ी टाइम लग जाएगा, एक दो घंटा तो निकल ही जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक आगे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये वाला शॉर्टकट अगर मैं पकड़ूँ ना लॉस सैंटोस सिटी का, तो देखो यार मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुँच सकता हूँ लॉस सैंटोस सिटी के बीच में। तो या ये देखो मैं आ भी गया यार, और एक मिनट यार पीछे भी गाड़ी में देखी यार, काफ़ी ज़्यादा सही लगी। एक मिनट, वापस गाड़ी को पीछे लो भाई, ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही नहीं लग रही है भाई, किस टाइप की गाड़ी है जो भी बोलो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है यार, मेरे को तो काफ़ी पसंद आ गई ये गाड़ी। और जैसे ही मेरी भाई नज़र पहली पड़ी भाई, मेरा दिल ही आ गया। लेकिन चलो अभी अपने पांच गाड़ी को मेरे को ढूंढना है, तो चलते फटाफट जाकर उनको ले लेते हैं। और अभी गाइस ना मैं काफ़ी ज़्यादा गलत रूट पर आ चुका भाई, जहाँ पर पूरी पब्लिक भरी हुई रहती है। और मैम जी सॉरी, इतना भी जोर का झटका नहीं लगा है। ओके, तो फाइनली भाई उठ चुके, वरना मेरे को भाई अभी एम्बुलेंस को बुलाकर उसको। ऑल राइट, तो चलो कोई ना, वैसे भीड़ में से गाड़ी को मैं आराम से चला तो सकता हूँ, लेकिन इसी भीड़ से मैं पहुँचूंगा यार वहाँ पे। चलो चलो फटाफट निकल लो। तो अब जाकर ना मेरी इस गाड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा सही हैंडलिंग हो चुकी है, और मैं इस गाड़ी को यार पब्लिक के बीच में से फुल कटिंग वगैरह मारते हुए चल रहा हूँ। लेकिन भाई काफ़ी बंदे तो भाई पीछे से गाली वगैरह दे रहे कि ये कौन घुस गया भाई सब पब्लिक के रास्ते में। वैसे एक सेकेंड यार, मैम जी जाने दो यार। ओके, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ उसी डीलरशिप के पास, जिस डीलरशिप के अंदर हमारे पांच गाड़ी देखने को मिल चुके हैं। अभी लमार ने देखे, तो अब मैं भी चलकर देखूंगा। और ये जॉनी विक जैसा बंदा भाई खुद ही आया यार सामने, मैं अपनी गाड़ी को मस्त साइड से ही निकल रहा था। लेकिन चलो कोई ना, अब एक काम करता हूँ, पहले चलकर मैं देखता हूँ कि ये डीलरशिप है तो है किसका यार, मतलब देख सकते हो ये शोरूम कितना ज़्यादा बड़ा है भाई साहब यार, और इसके अंदर तो कितने सारे गाड़ी आए जो कि बाहर की तरफ है, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है भाई, वो कहाँ पर है। और एक सेकेंड, ये लमार ही है क्या? वैसे दिखने में तो लमार ही लग रहा है। और
हाँ ये तो भाई साहब अपना लमा रही है, लेकिन एक मिनट मेरे को ना अपनी गाड़ी को थोड़ा सा साइड में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे को पहले लमार से मिलना है तो मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर पूरा भाई गेट लगा हुआ है। तो चलो कोई ना, यहाँ पर अपनी गाड़ी मस्त तरीके से भाई फुल पार्क होगी। चलो उतर दे और चल कर मिलते लमार से। वैसे एक मिनट यार, किसी को ना यहाँ पर दिक्कत है शायद से। एक मिनट, यही बंदा भाई साहब पीछे से कुछ बोल रहा था। आजा भाई, एक तो ड्रैगन वाले बाल वाले इधर आ भाई, बहुत कसके मारने वाला तेरे को। तो एक तो पहला ही दिमाग गरम है, किसी डीलर ने अपनी गाड़ी को चोरी करा है और ऊपर से तू भाई साहब आकर लड़ रहे हमसे। वैसे सामने ये आंटी ने हम लोग को देखा तो है, ये कंप्लेंट नहीं करेगी ना। चलो छोड़ो यार, वैसे उसने फ़ोन से किसी को कॉल तो नहीं करा यार। एक तो लॉस सैंटोस के बंदे ऐसे हैं ना कि अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत सीन देख ले तो सीधा भाई पुलिस ही बुला देते, लेकिन चलो इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी मैं चलकर पहले मिलता हूँ लमार से और पता करते हैं कि उसने हमारी गाड़ी को देखा कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से तो अपनी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन क्या पता शायद अंदर की तरफ हो। तो चलो बात करते हैं लमार से। ओके गाइस, तो लमार बता रहा है कि अपने जो 5 गाड़ियाँ हैं वो सारे के सारे उस शोरूम के अंदर मैंने देखे, तो मैं भी चलकर अभी देखने वाला हूँ। और यहाँ से ना हम लोग अंदर की तरफ देख सकते हैं। तो लमार ने मेरे को यहाँ पर बिनोकुलर्स को दिया है, तो फटाफट से इसको चल करना, मैं एक बार चेक करता हूँ। तो फाइनली सामने के तरफ मैं देख सकता हूँ। वैसे यार यहाँ पर ना पोल आ रहा है, और आपको पता है लमार की हाइट अपने से बड़ी है, तो वो उसके ऊपर से देख रहा था, लेकिन मैं देख सकता हूँ सामने बुगाटी बुलेट अपनी गाड़ी खड़ी है, उसके बगल में लैम्बोर्गिनी एसेंजा खड़ी है, उसी के साइड में थोड़ी सी हल्की हल्की से मेरे को मैकलेरन 720 अपनी देखने को मिल रही है, उसी के बगल में अपनी लैम्बोर्गिनी हुरैकन भी है। और एक सेकेंड भाई साहब, अपनी सबसे खास गाड़ी जो कि एसएससी तुआ तारा, जो कि काफ़ी ब्लर नज़र आ रही है। और एक मिनट, अब जाकर उसके ऊपर फोकस पड़ चुका है, लेकिन अभी भी ब्लर हो रहा है। एक सेकेंड, मैं ना स्नाइपर से देखने वाला हूँ, शायद मुझे ना थोड़ा सा स्नाइपर से देखने को अगर मिला। चलो भाई साहब ये देखो, काफ़ी सही दिख रहा है। ये वाली तो अपनी एसएससी तुआ तारा है ही है, लेकिन ना अगर मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा नज़र मारूँ तो वो जो गाड़ी आप लोग देख सकते हो ना, वो भी अपनी ही गाड़ी है भाई साहब। वो पोर्श वाली GT2 RS ऐसे कोई नाम है भाई साहब, काफ़ी बड़ा है, बट वही गाड़ी है यार। और अपने टोटल 6 कार थे, मेरे को अब भी जाकर याद आया भाई साहब, कुल मिलाकर टोटल 6 गाड़ी अपने पास थे। तो चलो, लमार ने तो काफ़ी तगड़ा काम करा अपनी गाड़ियों को ढूंढ कर। तो अभी मैं जाने वाला हूँ उसी शोरूम के अंदर और जाकर सारे के सारे अपने गाड़ियों को लेकर आने वाला हूँ। और सबसे पहली बात तो उस डीलरशिप को जाकर भाई साहब पहले बहुत ज़्यादा पीटने वाला हूँ उसको, भाई साहब इतना मारने वाला हूँ ना कि ये सारी चिंदी चोरी उसके बंद हो जाए। लेकिन फटाफट से अभी चलता हो और सीधा जाकर देखता हो। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर लमार मुझे बोल रहा है कि देखो यार ऐसे डायरेक्टली अंदर तुम नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर ना पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स भी खड़े, तो वो अंदर हम लोग को जाने को देंगे नहीं। तो मैंने तो भाई साहब एक भी गार्ड वहाँ पर देखा नहीं। एक सेकेंड, मेरे को देखने तो दो भाई ध्यान से। तो एक मिनट, अगर मैं यहाँ से देखूँ, पहली बात तो यार मेरे को यहाँ से ना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, वेट अ सेकेंड, अपनी ना स्नाइपर ही निकलता हूँ, वही सबसे ज़्यादा भाई सही है। तो हाँ, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक गार्ड तो खड़ा है, और भी अंदर की तरफ पक्का ना गार्ड्स होने वाले। एक तो काम मैं ये कर सकता हूँ कि लेस्टर को कॉल करके ना यहाँ के अंदर के जितने भी सिक्योरिटी कैमरा है ना, उसको पहले मैं हैक कर दूंगा और बाद में मैं सीधा अंदर जाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर लमार ने ना मेरे को एक और प्लान बताया। वो बोल रहा है कि क्यों ना तुम पहले जाकर मस्त सा ड्रेसिंग मारो और उसके बाद सीधा जाओ उस डीलरशिप के अंदर और जाकर तुम डील करो कि वो 6 की 6 गाड़ी तुम्हें चाहिए और तुम उसे डील करने के आए हो, तो उसके साथ तुम्हारी मुलाकात उसके ओनर के साथ भी हो सकती है। वरना ऐसे जाओगे तो भाई साहब ओनर पहले ही भाग जाएगा। भाई ये बात भी सही है लमार की। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो मेरे को ना अपने कपड़े तो चेंज करने हैं, और लमार अपना यहाँ पर ही वेट करेगा और देखेगा कि कोई बंदा आता जाता है कि नहीं। तो बस ये लमार करेगा, हम लोग एक काम करते हैं फटाफट जाकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं। वैसे तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे क्लोथ के शॉप देखने को मिल जाएंगे, तो मैं वहाँ पर ही चलकर ना फटाफट से अपने लिए कोई कपड़े वगैरह देखता हूँ। और एक सेकेंड, तू फोटो मेरी खींच रहा है क्या? ओके, नहीं 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 उस बंदे का खींच रहा है भाई, वो पीकर लेट चुका है, किसी ने उसको मारा नहीं है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके हैं, लेकिन चलो कोई ना। यहाँ पर एक क्लोथ की शॉप है, लेकिन यहाँ पर सारे टी शर्ट है यार, और मुझे चाहिए भाई साहब सूट। तो कोई ना, चलो और भी आगे काफ़ी ज़्यादा शॉप है, तो हम लोग को सूट कहाँ ना कहाँ तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते। वैसे यार सीन क्या पता है क्या, ये ना पूरा भाई बीच एरिया है और यहाँ पर सूट जैसे कपड़े मिलना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। एक सेकेंड, ये क्या है? नहीं 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 भाई साहब, यहाँ पर भी सारे शर्ट्स और टी शर्ट ही लटके हुए हैं, तो थोड़ा सा और आगे मेरे को जाना ही पड़ेगा। बट चलो कोई ना, कहाँ तो मिल ही जाएगा। तो चलो चलो चलो, ऑल राइट। तो एक शॉप मेरे को यहाँ पर देखने को मिल चुका है, लेकिन इस शॉप के अंदर भी बिल्कुल सूट्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ना सिर्फ टी शर्ट, टॉवल्स और सनग्लासेस
जो बीच के एक्सेसरीज होते हैं ना वही यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मुझे नहीं लगता यार अपने को यहाँ पर कोई सूट वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन ये देखो भाई साहब यहाँ पर चल रहा है भाई पूरा बॉडी बिल्डिंग। और बाकी यहाँ पर मैं बंदे देख सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं, ये मेरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स वगैरह कर रहे हैं अपनी बॉडी को लेकर। लेकिन याद रख बच्चे मैं भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर हूँ, अपने बनियान में घूम रहा हूँ यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग ना हम लोग को देख रहे वगैरह भाई साहब। लेकिन चलो कोई ना, बंदे के भाई यहाँ पर 4 packs आ चुके हैं, लेकिन कोई ना हम लोग भी कभी ना कभी बॉडी ऐसे बनाकर भाई आ जाएंगे भिड़ने को। लेकिन अभी तो हम लोग काफ़ी बड़े गैंगस्टर हैं। लेकिन यार अभी ना मुझे चाहिए एक क्लासिक बिजनेस सूट, जो पहनने के बाद मेरी एंट्री शोरूम में इजीली हो जाए, कोई हम लोग को कोई बोले ना। और ये वाले कपड़े तो बिल्कुल भी मेरे को नहीं देखने, मेरे को सूट चाहिए। कहाँ पर हो गए यार सूट? तो चलो फाइनली मैं आगे और आ चुका, और एक सेकेंड फाइनली ये देखो यहाँ पर मेरे को ना पैंट्स वगैरह देखने को मिल चुके हैं। तो अंदर की तरफ शायद से सूट वगैरह भी होंगे, और लेट्स गो। ये देखो भाई साहब वॉल पर टंगे हुए काफ़ी ज़्यादा सूट्स है यहाँ पे। तो चलो ये मैडम को मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से मेरे को एक सूट दे दो मस्त वाला, और फिर उसे ही पहनते और निकलते। चलो फाइनली मुझे शॉप से ना सूट तो मिल चुके हैं, तो अभी बस मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं सूट को पहन सकूँ। और ओपनली तो मैं यहाँ पर नहीं पहनने वाला हूँ, वैसे यार कोई दिक्कत नहीं यार, एक तो बीच है सारे नंगे पुंगे चड्डी बनियान में ही घूम रहे। लेकिन एक मिनट अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये शायद से लग रहा है मुझे कोई क्लोथ चेंजिंग का ही वार्डरोब है। ओके तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, और पहले ही भाई साहब कोई तो है। तो चल भाई फटाफट कर ले यार, कितना टाइम लगा रहे। अरे इतने नखरे, क्या सस्ता। अबे टकले बोला क्या भाई तू मेरे को? दोबारा बोल, वापस गाली दे रहा है, मारू क्या इसको यार? इसने मेरे को यार खाली फुकट साइकोपैथ बोला यार, पता नहीं क्यों। सस्ता हिटमैन तो लग रहा है, खाली फुकट अपना पंगा ले रहा है। बट चलो कोई ना, यहाँ पर टाइम पास नहीं करते गाइस, अपना काम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट चल करना, अभी मैं यहाँ पर सूट पहन लेता हूँ, और उसके बाद वैसे माइकल अक्कड़ से अभी भी देख रहे हैं यार, उसके बाद यार छोड़ यार सूट को चेंज करते हैं और निकलते यहाँ से। ऑल राइट सो हियर वी गो, मैंने कपड़ों को चेंज करके यहाँ पर एक डैशिंग सूट को पहन लिया है। फिलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है यार, क्योंकि पूरा गोल्ड में है, और बस एक चीज़ की कमी है, वो है सनग्लासेस। और अभी देखो यार काफ़ी ज़्यादा रास्ता ना दूर है, तो मैं नहीं चाहता कि अपना पसीना निकले। तो गाड़ी के अंदर मैं बैठने वाला था यार, और ये भाई साहब तो उसी सस्ते हिटमैन की गाड़ी, और आराम से चला ले भाई। कैसे चला रहा है भाई? ये तो काफ़ी ज़्यादा पंगे। और एक सेकेंड वो देखो वहाँ पर क्या सीन हो गया भाई, उसी की गाड़ी किसी ने चोरी कर ली भाई साहब। तो ऐसा ही होता है, जैसे को तैसा ही मिलता है। लेकिन देखो मुझे ना यार जाना नहीं, क्योंकि पसीना छूट जाएगा तो मेरा सूट खराब होगा। उससे अच्छा यहाँ पर देखो बाइक रेंटल पे मिल रहे हैं, जो कि $20 के एक घंटे के लिए। भाई मेरे को 2 मिनट के लिए चाहिए, वैसे है तो कोई नहीं अंदर की तरफ। निकलो 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 फटाफट, कोई नहीं देख रहा है। वैसे भी इतने सारे वैरायटीज ऑफ यहाँ पर शॉप और मार्केट है ना, इसको देखकर ऐसा लगता है भाई मैं ना अपने अंधेरी वेस्ट के मार्केट में आ चुका हूँ, जहाँ पर सारी शॉपिंग वगैरह होते हैं। लेकिन अभी ना एक काम करता हूँ, वेट, यहाँ पे सामने एक सनग्लासेस वाली शॉप है, तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ यार चलती साइकिल में ना एक ग्लासेस को उठा देता हूँ। तो ये सामने बाहर की तरफ लगा है, तो इसको ही फटाफट से मैं ले लेता हूँ। ये सही मौका है, वो हमारे ऊपर देख भी नहीं रहा है। तो माइकल फटाफट से ग्रैब कर ले, लेट्स गो, बैठ जा साइकिल में, हम लोग ने एक उठा तो दिया है। और निकल 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 निकल, और राइट चलो, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। और हम लोग ने भाई साहब गॉगल को चोरी भी कर लिया है। तो अभी ना मैं एक काम करता हूँ, चलता हूँ फटाफट से, और जाते वक्त ही मैं उस गॉगल को पहन लूंगा। तो अभी गाड़ी को ना जैसे साइकिल को थोड़ा तेज भगाता हूँ। तो चलो ओके, तो अभी ना मेरी यहाँ पर साइकिल के साथ मस्त वाली एक्सरसाइज हो चुकी है, और मैं पहुँच भी चुका हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि यही बाइक रेंटल का भाई दूसरा शॉप है, यहाँ पर अपनी साइकिल को खड़ी कर देते। और चलो यहाँ पर अभी कोई है नहीं, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं पैसे देने की यार, खाली वगैरह अपना $2-3 कट जाता। लेकिन अभी एक काम करते हम लोग ना, अभी सीधा जाने वाले शोरूम के अंदर, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि लमार के पास जाओ, डायरेक्टली चलते, क्योंकि ऐसा तो कोई सीन नहीं कि लमार भी हमारे साथ अंदर आएगा ही आएगा। तो वो हम लोग को शायद से ना बाहर से यहाँ से पूरा कवर देगा, अगर कोई गलत सीन होता है तो। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वैपिट और गैलेक्सी दो दो नाम लिखे हुए, पता नहीं चल रहा है कि शोरूम का मेन नाम क्या है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो शोरूम है ना, ये अपने बिल्डर ने बना कर दिया है, क्योंकि गैलेक्सी ये नाम आप लोगों को बताएं हमने भी अपने शोरूम में लगाए थे। और ये भी काफ़ी सही है यार, पैराडाइज भाई, क्या सही भाई साहब बनाए हुए शोरूम को। लेकिन चलो इस बार गार्ड हम लोगों को कुछ बोल नहीं रहा है, तो हमारी एंट्री हो चुकी है इस डीलरशिप के अंदर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो।
लेकिन आप लोग एक बार ना, मैं तो भाई साहब इस पूरे के पूरे शोरूम का टूर करने वाला हूँ यार। इतना बड़ा शोरूम डीलरशिप लॉस सैंटोस में कब चालू हुआ पता नहीं, तब भी बैनी मेरे को बता रहा था कि भाई साहब यार अपने लॉस सैंटोस में ना काफ़ी डीलरशिप हो रहे हैं और ये उसमें से सबसे बड़ा वाला मेरे को लग रहा है। वैसे यहाँ पर अपनी बुगाटी बुलेट खड़ी है जो कि आप लोग देख ही सकते हो। यार मैं तो काफ़ी मिस कर रहा था इन सारी गाड़ियों को। लैम्बोर्गिनी एसेंजा ये भी काफ़ी ज़्यादा सही कार है यार, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट रेसर कार है ये वाली। और इसी के बगल में अपनी मैक्लेरन 720 और आगे भी आप लोग देख सकते हो अपनी लैम्बोर्गिनी हुरैकन खड़ी है। और ये सब तो ठीक है यार, लेकिन आप लोग देख सकते हो सबसे सुपर फास्ट SSC तुआतारा जैसी गाड़ी भी यहाँ पर सेल को खड़ी है। और ये मैडम जी अंदर की तरफ इसके इंटीरियर्स वगैरह को देख रहे, काफ़ी मज़ा ले रहे। शायद ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग ना डील वगैरह करने को आ चुके हैं इस गाड़ी की, बट पता नहीं। चलो एक काम करता हूँ, मैं भी ना साइड से चलता हूँ और एक मिनट, अगर ये लोग अपनी गाड़ी के साथ डील वगैरह कर रहे होंगे। हाँ तो ये लोग गाइस ने अपनी गाड़ी के साथ डील ही कर रहे हैं और इनको नहीं पता कि इसका मेन ओनर इनके बगल से अभी गए। लेकिन अंदर की तरफ चल कर मैं अपने पोर्श को देखने वाला हूँ। ये देखो GT2 RS MR यार, इस गाड़ी के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस शोरूम के अंदर मैकेनिक भी है भाई साहब, सारा कुछ है इस शोरूम के अंदर। गाड़ियों की डील भी हो रही है यहाँ पर, देख रहे हो गाड़ी की मॉडिफिकेशन तक हो रही है भाई साहब। पूरा गैराज विराज सब कुछ बना कर रखा है। और एक सेकेंड, ये इंजन अपनी गाड़ी से निकाला है कि ये इंजन फिट कर रहे हैं पता नहीं। वैसे इस टाइप की स्पोर्ट्स कार या सुपर कार के इंजन पीछे की तरफ होते हैं ना मोस्टली, तो ये देखो इसका इंजन तो पीछे ही है। शायद से ये बंदा ना इस गाड़ी को और ट्यूनिंग कर रहा होगा, लेकिन कोई ना बेटे, ये वाली भी गाड़ी मैं अभी लेकर जाने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक लिफ्ट के ऊपर गाड़ी को चढ़ाया हुआ है, उसका तेल निकल रहा है और बाकी ऊपर की तरफ बंदा उसके हेडलाइट को ठीक कर रहा है। चलो कोई ना, ये भी सही है। यहाँ पर भी देख सकता हूँ भाई क्या गाड़ी है यार, ये लो राइड जैसे गाड़ी मेरे को क्यों लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन इसका भी इंजन से पूरा धुआं धुआं ही निकल रहा है भाई साहब। यार मानना पड़ेगा यार, मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैकेनिक भी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहे हैं। बाकी इस बाइक पर नज़र मारो, ये तो अपनी इंडियन CDH वाली बाइक है जो कि इस शोरूम में सेल को है। अब ऐसा नहीं, ये वाली तो अपने पास पड़ी है, बट वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैंकलिन वाली लग रही थी, लेकिन नहीं, आज ही सुबह फ्रैंकलिन लेकर आया था। यहाँ पर भी दो बाइक्स खड़े, बाकी यहाँ पर नज़र मारो तीन तीन ट्रॉन्स बाइक खड़ी है। और मानना पड़ेगा यार, इस शोरूम में ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बिजनेस के साथ एक तगड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ करी है। मतलब देखो यार, इन लोग का रोटेशन बाइक का क्या प्रॉपर है। जैसे ये ब्लू वाली बाइक सामने का टायर दिखा रहा था, तो ये जो रेड वाली बाइक है पीछे के टायर का दिखा रहा था, और ये जो ग्रीन वाली बाइक है ये देखो अभी कैसे साइड वाला एंगल दिखा रही है, और बाकी दो बाइक्स बाकी के टायर्स दिखा रहे। मतलब एक प्रॉपर तीनों तरह से हम लोग इस बाइक को देख सकते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा सही लगा है यार। मतलब टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा आगे गई है इस शोरूम में। बट चलो अभी चलकर मैं डील करने वाला हूँ। वैसे मैंने ये राइट साइड देख लिया पूरा, अभी एक काम करते हैं लेफ्ट साइड को भी एक बार ना वहाँ पे भी चलकर देख कर आता हूँ, क्योंकि भाई ये ना खाली शोरूम उतना ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा अंदर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक मैकेनिक है जो कि किसी गाड़ी के एग्जॉस्ट को ठीक कर रहा है। वैसे चलो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे नहीं, मेन देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सीन करा हुआ है। तो फिलहाल तो मैं गाइस यहाँ पर नोटिस कर सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट होते हैं वो सारे के सारे इस जगह पर अवेलेबल है। मतलब देखो यार यहाँ पर कितने सारे डोर से, और ये सारी गाड़ियों के डोर से यहाँ पर होने वाले हैं। मतलब यहाँ पर देख रहे हो किस टाइप के बिजनेस चलते हैं गाड़ियों के, मैकेनिक के, और ऊपर से गाड़ी के पार्ट्स के भी। तो काफ़ी ज़्यादा सही है यार, ये जिसका भी शोरूम रहेगा ना वो बंदा काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अभी एक काम करता हूँ मैं ना, पहले फटाफट चलकर ना मिलता हूँ यहाँ के ऑफिस से। तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस तो बना हुआ है और यहाँ पर एक लड़की भी खड़ी है, तो मैं इससे चलकर अभी बातचीत करता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो फिलहाल मेरी इस लड़की के साथ बात हो चुकी है, और ये लड़की मेरे को बोल रही है कि अगर आपको कोई डील वगैरह करना है तो अंदर की तरफ एक ऑफिस है, वहाँ पर जाकर बात कर सकते हैं और वहाँ पर ही परचेस वगैरह चलता है। तो चलो चलकर देखते हैं कि कहाँ पर ऑफिस है। वैसे यहाँ से अंदर की तरफ अगर मैं जाऊँ तो शायद, ओके ये देखो ये बना हुआ है ऑफिस का कैबिन। तो चल भाई, इनका डोर हाँ खुल गया। ओके तो यहाँ पर भाई साहब काफ़ी ज़्यादा वेटिंग करना पड़ेगा क्या? मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं सीधा जाकर मैनेजर से बात करने वाला हूँ। तो ये है वो मैनेजर, और बाकी ये देखो भाई सजावट देख रहे हो इनके टेबल के ऊपर, कैसे गाड़ी की भाई यहाँ पर ट्रैक बनाई हुई है। बाकी मानना पड़ेगा यार, शोरूम पर खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है,
लेकिन इस मैनेजर के साथ मैं बात करता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर मैं टोटल 6 गाड़ी को खरीदने का आया हूँ, तो फटाफट से डील करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ना लिटरली हमें ना इंडियन BMC ऑफिस के तरह भाई साहब यहाँ से वहां पर भगा रहे। तो ये लोग बोल रहे कि देखो सर, आप तो काफी ज्यादा सही गाड़ी यहाँ पर खरीदने को आ रहे हो, लेकिन अगर आपको इतने सारे गाड़ी खरीदने हमें, तो हमें जाकर मिलना पड़ेगा इस शोरूम के मेन ओनर से, जो कि मैं चाहता था, और वो बैठा हुआ है इस कैबिन के ऊपर की तरफ। और एक सेकंड, ऊपर जो बंदा खड़ा है गार्ड है, जो कि ये काफी ज्यादा पहचाना हुआ गार्ड लग रहा है मेरे को। शायद कोई इन लोग की जी सिक्योरिटी हो सकती है। तो चलो, ये सामने लिफ्ट है क्या भाई? क्या खतरनाक एडवांस टेक्नोलॉजी भाई साहब यूज करी हुई है। लेकिन चलो, बटन को दबाते हैं और सीधा पहुंचते हैं ऊपर। ओके, तो अभी आप लोग इस लिफ्ट को देखो, ये रोटेशन कर रही है। और भाई पता नहीं ये किस टाइप की टेक्नोलॉजी इन लोग ने यूज करी यार, ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन ये ऊपर जाने के बावजूद यहाँ पर अभी घूम रही है, तो शायद अभी बटन आ चुका है, तो अभी मुझे ऊपर का बटन दबाना है। ओके, इस लिफ्ट ने पहले चक्कर को काटा और अभी ये धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो लेट्स गो यार, मेरे को लग रहा है हम लोग जल्दी ऊपर के फ्लोर पर पहुंचने वाले। वैसे एक सेकेंड, कहाँ से आने वाला है भाई साहब इसका डोर? ओके, तो सामने से शायद से डोर आने वाला है ऐसा लग रहा है, लेकिन एक बार ना ऊपर की तरफ पहुँचते। वैसे लिफ्ट काफ़ी स्लो है यार ऊपर जाने के लिए, बट इसका डोर यहाँ पर है, तो शायद डोर यहाँ से ही ओपनिंग होगी। चलो वेट करके देख लेते। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग लिफ्ट के साथ धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ आ चुके हैं। और फाइनली मैं देख सकता हूँ भाई साहब इस ओनर का ऑफिस भी यहाँ पर देखो, बाकी यहाँ पर देखो सामने की तरफ भाई क्या इस बना कर रखा है। वैसे अभी तक ऊपर आए नहीं, लेकिन अभी आ जाएंगे। अभी ठीक है, मैं निकल सकता हूँ लिफ्ट से बाहर, क्योंकि ये कनेक्ट हो चुके ऊपर के फ्लोर को। और वेट अ सेकेंड, ये सामने जो बंदा बैठा हुआ है मेन चेयर पर, ये और कोई नहीं तो ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, डगन बॉस। और ये डगन बॉस का शोरूम है क्या? वैसे बैठा तो सामने खुद ही है, तो शायद ये डगन बॉस का पूरा शोरूम हो सकता है। और ओ, अपनी बाइक भी यहाँ पर खड़ी करी है इसने तो। अबे यार, इसने तो हमारी बाइक को भी चोरी करा था और यहाँ पर लाकर इसने पार्क कर दिया और सेल कर रहा है। वैसे मैं डगन बॉस से क्या बात करूँ यार, अगर इसने मेरे को नोटिस करा तो ये मेरे को सही में गोली मार देगा। लेकिन चलो कोई ना, मैं डगन बॉस से बात करके एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि देखो अब भी मैं यहाँ पर चोरी तो नहीं कर सकता, लेकिन उन सारे गाड़ियों को मेरे को परचेस ही करना पड़ेगा। तो डगन बॉस से एक बार बात कर लेता हूँ। मैं बात को शुरू भी कैसे करूँ, यहाँ पर एक पहली किसी की भाई साहब मीटिंग चल रही है। और एक सेकेंड, ये बंदा तो सिमियन है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं डगन बॉस के साथ? और फ्रैंकलिन गया हुआ है भाई साहब सिमियन के घर पे, जाके सिमियन यहाँ पर आकर बैठ चुका है। भाई साहब ये क्या सीन चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस यार, मुझे बैठकर यहाँ पर आधे घंटे का टाइम निकल गया, लेकिन यार इन लोग की मीटिंग जो है वो अभी तक कुछ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई साहब। बाकी यहाँ पर मेरे को ना फ्रैंकलिन का भी मैसेज आया था, और वो बोल रहा है कि सिमियन अपने घर पर मेरे को देखने को ही नहीं मिला है। तो मैं उसको कैसे समझाऊं कि यार सिमियन जो है वो हमारे सामने डगन बॉस के सामने यहाँ पर डील करने को बैठा हुआ है। तो बाकी यहाँ पर चलो, अभी ना मैं सीधा जाकर ना बात करने वाला हूँ डगन बॉस से। लेकिन यहाँ पर सिमियन के साथ जो बंदा आया हुआ है ना, वो एक बहुत बड़ा मूवी प्रोड्यूसर है, और उसको यार हमारे गाड़ियों में से 3 सुपरकार इसको फिल्म को शूटिंग करने के लिए ज़रूरत है। लेकिन डगन बॉस एक भी गाड़ी शोरूम से देने के लिए राजी नहीं है, और इसके वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो रहा है। और ये मूवी प्रोड्यूसर ने यार काफ़ी रिक्वेस्ट भी कर रहा है डगन बॉस को, बट डगन बॉस मान ही नहीं रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है पता है, अभी तक डगन बॉस ने माइकल को रिकॉग्नाइज नहीं करा है। अगर कर लेता तो समझ लो अभी तक इसके बॉडीगार्ड ने हमारे ऊपर गोली तान दी होती। लेकिन चलो यार, यहाँ पर ना मेरी टाइम काफ़ी खोटी हो रही है, तो इससे अच्छा ना मैं अभी सीधा डगन बॉस से बात करने वाला हूँ और देखते हैं क्या सीन होता है। अभी मैं पूरा दम लगाकर डगन बॉस को बोलने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर गाड़ियों की डील करने के लिए आया हूँ, तो प्राइस बता दो। और ये गुस्सा क्यों हो गया इतना जल्दी, और इसने टेबल पर पटक के ग्लास गिरा दिया। भाई इन लोग की मीटिंग में कुछ अलग ही सीन हो रहा है यार। गाइस अभी ना यहाँ पर बातें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, मतलब दोनों में ना काफ़ी गलत बहस हो रही है। मूवी प्रोड्यूसर लगा हुआ है डील करने में, लेकिन डगन बॉस उसको नहीं बोल रहा है। और ओह, अब भी डगन बॉस का भाई गुस्सा चढ़ गया, सीधा बंदूक तान दी मूवी प्रोड्यूसर के ऊपर। और देख रहे हो बाकी के बॉडी गार्ड्स ने भी सीधा उसके ऊपर बंदूक को तान दिया है, लेकिन डगन बॉस अभी लगा हुआ है उसको पूरा बात समझाने को कि डील नहीं मतलब नहीं। बाकी चलो, यहाँ पर टॉन्ट तो काफ़ी मार रहे हो, और लेट्स गो, यहाँ पर उसने शायद से उसको बात समझा दी है।
और एक सेकेंड, डगन बॉस ने हमें रिकग्नाइज कर लिया यार। तो डगन बॉस यहाँ पर हमें पहचान चुका है और वो मुझे ये बता रहा है कि आज मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम आज मेरे शोरूम में एज अ कस्टमर बनकर आए हो। लेकिन हाँ, उसने मेरे को एक धमकी दी है कि जब तक वो ये सीट पर नहीं बैठेगा तब तक मुझे यहाँ से दफा होना है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर जितने भी उसके बॉडीगार्ड्स हैं ना, वो सारों ने हमारे ऊपर गन को पॉइंट कराए, वो फिर तुम्हें ख़त्म कर सकते। तो फटाफट से दफा हो जाओ जब तक वो सीट पर बैठेगा। इससे अच्छा मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि काली फुकड़ मेरे ऊपर कोई गोली चले। और जा रहा हूँ मैं भाई साहब, लिफ्ट के बटन को दबाकर जा रहा हूँ। देख रहे हो भाई किस तरह से ये लोग स्नाइपर मेरे ऊपर पूरा पॉइंट करके रखे हुए। बट लेट्स गो गाइस, चलते नीचे। ओके फाइनली मैं आ चुका हूँ नीचे की तरफ। और अभी मेरा सही में यार मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा यार, अपनी सारी गाड़ी को मैं यहाँ पर ही रख कर सीधा यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जितने भी गाड़ी है ना वो सारे मेरे फेवरेट कार है यार। सबसे फेवरेट तो SS2 हुआ तारा, बाकी के भी सारे है। तो करूँ तो करूँ क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकूँ क्या, मैं क्या करूँ यार, लमार को बोल दूँ क्या फटाफट यहाँ से गाड़ी उठा कर सीधा भाग जाए। लेकिन ऐसा करूँगा तो वो देखो ऊपर से पहले ही बंदा गन को पॉइंट करके रखा हुआ है, अगर मैं गाड़ी को थोड़ा भी हाथ भी लगाओ ना तो वो बंदा पक्का मेरा मत्ता खोल देगा। तो उससे अच्छा गाड़ी को मिस करते और चले जाते यहाँ से। अभी मेरे दिमाग में ना एक काफ़ी तगड़ा प्लान आ चुका है, क्यों ना यंगटन माफिया को बोलकर यहाँ पर अटैक करवाए और अपने सारे की सारी गाड़ी यहाँ से निकाल ले। लेकिन एक सेकेंड, डगन बॉस अपने ऑफिस से अभी शोरूम से बाहर की तरफ जा रहा है, सिम्योन भी डगन बॉस के साथ ही चल रहा है और उसका वो जो पर्सनल बॉडीगार्ड है वो भी जा रहा है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग भी इनके पीछे पीछे धीरे धीरे फॉलो करते हैं। खाली मेरे को ना बस एक चीज़ चेक करना है कि ये लोग जा कहाँ पर रहे। अगर समझो ये लोग शोरूम से जा रहे होंगे तो बस अपना वैसा प्लान कन्फर्म है कि हम लोग गाड़ी को यहाँ से चोरी कर सकते हैं। लेकिन एक सेकेंड, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये लोग जा तो जा रहे तो हेलीपैड के तरफ, और अभी मैं यहाँ से ना देख सकता हूँ। ओके तो पक्का ये लोग ना यहाँ से निकल चुके शोरूम से, और अभी तो मैं देख सकता हूँ कि हेलीपैड में चॉपर भी आ चुका है और डगन बॉस जाकर बैठ गए, सिम्योन भी बैठ गया, उसका पर्सनल बॉडीगार्ड डगन बॉस का वो भी बैठ चुका है। तो बस अभी गाइस वेट कर रहा हूँ मैं कि ये लोग यहाँ से पूरी तरह से निकल जाए और लेट्स गो। पायलट भी जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ चुका है, तो अभी यहाँ पर चॉपर भी देख रहे हो इन लोग ने स्टार्ट कर दिया है और लेट्स गो। फाइनली यहाँ पर ये लोग चॉपर के साथ शायद से जा रहे का, तो वैसे अभी मेरे को दिखेगा नहीं, बट हाँ एक मिनट अगर मैं यहाँ से देखूँ, नहीं यार ये लोग बिल्कुल अपने सर के ऊपर है। लेकिन ये लोग गए तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में गए वो मेरे को पता करना है यार। हाँ तो देखो गाइस यार, वो लोग जा रहे सामने के डायरेक्शन से, तो गारंटी यार डगन बॉस अपना बिजनेस या अपने घर पे जा रहा होगा। लेकिन अभी यार फुल सेट हूँ मैं यहाँ पे, जाकर पहले मैं लमार को एक बात बता दूँ कि अभी बहुत तगड़ा अपने पास चांस है कि अपने सारी गाड़ी को यहाँ से निकालने का। तो ये रहा अपना लमार, तो इसको मैं बोल देता हूँ प्लान क्या है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं इस काम को करने के लिए। वैसे मैंने लमार को एक स्नाइपर देके उसको पूरा प्रिपेयर कर दिया है ताकि वो हमें यहाँ से बस कवर देगा, और इसने अपनी स्नाइपर को भी तान लिए। तो चलो मैं भी अभी सीधा निकलता हूँ शोरूम में और चलकर अभी करने वाला हल्ला। वैसे एक सेकेंड, ये देखो भाई मूवी प्रोड्यूसर और उसकी टीम यहाँ से निकल चुके हैं। यार इन लोग का डील ही नहीं हुआ, लेकिन बच्चे तू तो बच गया, वरना अगर आज तू अंदर होता तो तेरे साथ भी गलत ही सीन होने वाला था। लेकिन अभी चलते अंदर। अभी पता नहीं ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर जाने को दे क्यों नहीं रहा है, और अभी मुझे इसने ना भारी रुकने के लिए बोला है। लेकिन बेटे तेरा गेम ओवर क्योंकि पड़ गई है, लेट्स गो। तो अभी हमारा भी यहाँ पर चलो करते स्वागत, और सभी के सभी फटाफट हॉस्टेज बन जाओ। वैसे ओ मैडम जी, ध्यान कहाँ पर है आप लोग का, नीचे सारे के सारे। वैसे चलो इन लोगों को मेरे को नहीं मारना है। ओ भाई साहब अपनी गाड़ी की फोटो निकालेगा, निकल निकल निकल। भाई साहब कौन मार रहे, एक मिनट कवर लो। ओ नहीं 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 यार, यहाँ पर कवर लेना गलत है यार, ये लोग मेरी गाड़ी को डैमेज कर देंगे। एक सेकंड, ये गया तो भी खाएगा मत्ते में। वैसे ओ कांच के आर पार मारेगा बेटे। वैसे एक मिनट, इनको भी मुक्ति दे देते। चलो अभी ना यहाँ पर और भी कुछ बंदे हैं, मैकेनिक, और ये मैकेनिक वाले टेररिस्ट कैसे बन गए यार। एक मिनट, तू तो बेटे शॉर्ट गन बहुत खतरनाक खाएगा। लेट्स गो, इसको ले लिया। और कौन मार रहे अंदर से? ओके ओके दिख गया, दिख। ओह किसी और के पास भी शॉर्ट गन है यार। ओ हो आराम से माइकल,
कौन तो कहां से भाई शॉटगन तो मार ही रहा है। लिटरली मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, शॉटगन कोई तो कहां से चला रहा है लेकिन पता नहीं कहां से। ओ ये देख, एक सेकंड बेटे, आजा आजा, दिख तो गया तू मेरे को, और एक मिनट आजा, शॉटगन भी शॉटगन खेलेंगे, आजा आजा आजा। आ पड़ गई भाई के पूरे मुंह पे पड़ गए। और एक मिनट, कोई तो और सामने से भी मार रहा है, कहाँ से मार रहे वो नहीं समझ में आ रहा है। वैसे ये पता नहीं यार मैकेनिक वाले टेररिस्ट कैसे बन गए, है तो डग्गन ही बॉस के ना भाई, तो वैसे ही होंगे। आजा आजा बेटे, तेरे को भी गलत मारूंगा। ओपन लग, चलो ये भी गया, इसने भी शायद से शॉटगन ही पकड़ी थी। लेकिन और भी कहाँ पर है क्या बंदे, मेरे को चलकर देखने दो। यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ है, सारों को मारूंगा और फिर अपनी सारी गाड़ी यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। ये बंदे ने यार काफी मुश्किल कर दिया यार हम लोग को बाहर निकलने के लिए। मतलब यार पहली बात तो ये हमारे ऊपर रैंडम मशीन गन फायर कर रहा है और मेरी मैकलेरिन डैमेज कर रहे है बे। ओके, इसको शायद से लग रहा है लमार ने बाहर से ले लिया यार। चलो लमार भाई खतरनाक बाहर से स्नाइप कर रहा है, तो मैं भी चलता हूँ तेरी ऐसी की तैसी इसके मत्ते पे मारता हूँ। वैसे वहाँ पर कुछ बंदे निकल ले गंजे, एक मिनट पड़ गया। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ बंदे थे, मैंने देखा था लास्ट टाइम, तो एक मिनट आराम से जाएंगे यार, पता नहीं कहाँ से भी कोई गोली मार दे तो। ओ ये देखो, अबे ऑल राइट, लमार क्या कर रहा है यार इस टाइम पर, एम तो कर रहा है लेकिन उसकी स्नाइपर चली नहीं। बट चलो तुम्हारे भाई ने उसको ले लिया, अभी AK-47 लेते हुए चल बेटे, तू तो मेरे को दिख गया। एक मिनट, इसको ना काफ़ी गलत मारेंगे। एक मिनट, अपने पास ना सबसे पावरफुल वेपन कौन सी है मेरे को देखने दो यार। तो ये वाली अपनी शॉर्ट गन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसी को लेते हुए चलो भाई साहब। पहली बात तो मैडम जी को ले लो। और कहाँ पर गई ये, अभी ये गई तो गई कहाँ पर। ओके, और सर जी अभी आपके ऊपर रैंडम पड़ते जाएंगे भाई, पूरी की पूरी यहाँ पर छल्ली कर दूंगा गोली। लेकिन चलो यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है मैंने सभी को यहाँ पर टेक डाउन कर दिया है, तो अभी एक काम करता हूँ ना, अपनी गाड़ियों को यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे एक सेकेंड, अगर डग्गन बॉस यहाँ से चले गए तो उसका एक ही गार्ड चले गया था ना, ऊपर शायद से दो गार्ड हो भी सकते हैं, और वो अभी तक पता नहीं बाहर क्यों नहीं आए। एक काम करूँ क्या, मैं ही चलूँ क्या ऊपर, क्योंकि अपनी बाइक भी ऊपर है, मेरे को उसको भी लेना है। दो बंदे ना ऊपर ही है, क्योंकि ना आवाज़ तो मेरे को आ रही है। और हो ये देखो भाई साहब नीचे जंप मार के आ गए और मौत को भाई साहब खुद ही आकर छू गए। लेकिन चलो दोनों को ले लिया भाई, सही टाइम पर मैंने ऊपर की तरफ देखा, वरना अगर मैं नहीं देखता तो गारंटी मेरे सर पर ये लोग गोली बजाते। लेकिन अभी ऊपर जाने का भी कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन चलो मेरे को अपनी बाइक को तो लेकर आना है, तो कैसे भी करके जाना ही पड़ेगा, तो लिफ्ट को फटाफट लेते ऊपर, लेट्स गो। तो ऊपर तो मैं आ चुका हूँ, बाकी यहाँ पर डग्गन बॉस का सारा कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय तो करने वाला हूँ, क्योंकि यार कुछ भी यहाँ पर टिकना नहीं चाहिए भाई, सब कुछ तोड़ने वाला। वैसे एक मिनट, मैं इस शोरूम को तो उड़ाने वाला हूँ, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो चलो भाई पहले अपने बाइक को यहाँ से निकाल दे। और एक मिनट यार, ये कैसे निकलेगी, ये रोटेशन हो रही है, पता नहीं ये किस टाइप की मैग्नेट को अटैच करी है। लेकिन एक सेकंड में अगर इसके उतरूँ तो, वेट 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 वेट, शायद से हो गया लगता है। ओ हो, लेट्स गो, ये हो चुके भाई, किस टाइप की टेक्नोलॉजी ये लोग ने यूज़ करा है पता नहीं। लेकिन एक मिनट, अभी ना मैं यहाँ से सीधा कूदाने वाला हूँ, तो उसके लिए सामने ये ग्लास ही लगे ना, इसको पहले भाई तोड़ो, लेट्स गो। तो अभी अपने बाइक को फुल कूदाते हुए, ओ हो वाय वाय वाय, खतरनाक तरीके से। तो चलो एक काम करता हूँ, पहले ना बाइक को साइड में लगा दो, क्योंकि अभी बाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी गाड़ी। तो सबसे पहले अपनी निकालते बुगाटी बुलेट को। वैसे एक मिनट यार, मैं निकाल नहीं पाऊंगा, तो स्टार्टिंग से गाड़ी को निकालते, तो तुआ तारा भाई पहले निकाल दे। तो चल 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 फटाफट बैठ माइकल। और एक बात अच्छी है कि अपनी गाड़ी के ऊपर कोई डैमेज नहीं हुआ है, और मैं इन लोग को अभी इसलिए बाहर निकाल रहा हूँ गाइस, क्योंकि आगे जो सीन मैं अभी करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो चल चल भाई यार, इसकी स्पीड ना अनकंट्रोलेबल है। वैसे एक सेकेंड, इसको ना चलकर मैं यहाँ पर लगाता हूँ। और लमार कहाँ पर गया यार, यार वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है, अभी लमार की तो भाई ज़रूरत है। पता नहीं ऐसे टाइम पर लमार जाता कहाँ पर है। और एक मिनट, ये ट्रेलर को लेकर कौन आ चुका है। और एक सेकेंड, ये तो लमार ही अंदर की तरफ बैठा है। तो चलो भाई साहब, प्लान के हिसाब से इसने भाई साहब कर ही लिया। मेरे को लगा जब मैं इसको बोलूँगा गाड़ी लेकर आऊँगा तब ये ट्रेलर लाने को जाएगा, लेकिन चलो चलो, जैसे भाई बंदे खत्म हो गए इसने देख लिया, तो इसने ट्रेलर को ही लेकर आ गया। तो अब एक काम करते हैं, अपनी पहले SSC तुआ तारा को, भाई साहब उड़ी गई। लेकिन चलो कोई ना, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। और ऐसे ही अभी मेरे को सारे कार्स को भी लेकर आना है, तो एक काम करता हूँ, मैं लमार को बोल देता हूँ कि तू खुद फटाफट से इसमें लोड कर देना, मैं सारे कार्स को पहले बाहर लेकर आता हूँ, और उसके बाद मुझे ये पूरा का पूरा शोरूम को डिस्ट्रॉय करना है। तो अभी अपनी नेक्स्ट गाड़ी जो कि हुरैकन, इसको भी निकालते फटाफट से। तो एक बार आप लोग हुरैकन की लुक देखो यार,
कि कितनी ज़्यादा सही गाड़ी लगती है। मतलब है तो छोटी, लेकिन जब भाई साहब ये चलती है ना तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यार। देख रहे हो और इसका शीशा टूट गया, लेकिन कोई नहीं यार, बेनी इन सब चीज़ों को फटाफट से फिक्स कर देगा। तो चलो ये वाली भी अपनी जो गाड़ी है इसको भी मैं फटाफट से ना ट्रेलर पर वैसे ही लोड कर देता हूँ। और लमार अभी भी उतरा नहीं है, तो चलो कोई ना यार, वैसे मैं भी कर सकता हूँ इसको, लेकिन अपना एक सीन है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसको और डैमेज कर देंगे। बट कोई ना चलो ट्राई करते हैं। फाइनली सेकेंड गाड़ी को भी मैंने यहाँ पर लोड कर दिया है, तो अभी बाकी बचे सारे गाड़ियों को एक एक करके मेरे को लेकर आना है और सभी को ऐसे ट्रेलर में लोड करना है। एक सैड न्यूज है कि अपनी पोर्श GT2 RS ये गाड़ी आज अपने घर पर नहीं जाने वाली है, क्योंकि पता नहीं इन लोग ने इस गाड़ी के साथ करा क्या है। मतलब मैं काफ़ी टाइम से ना इसको स्टार्ट करने को देख रहा हूँ, लेकिन ये देखो मैं पूरा यहाँ पर टायर को लेफ्ट राइट तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके इंजन को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पूरा यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है यार। इन लोग ने पता नहीं क्या करा है यार, इंजन को ही निकाला वगैरह शायद से, और पीछे से इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा धुआं भी निकल रहा है। तो सैड न्यूज़ यही है कि ये गाड़ी मैं यहाँ से नहीं निकालने वाला हूँ और ये गाड़ी इसी शोरूम में डिस्ट्रॉय होने वाली है, क्योंकि यही ऑप्शन बच चुका है यार। और अभी मुझे ये काम को भी फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि डगन बॉस को ना पता लग चुका रहेगा कि उसके शोरूम में काफ़ी गलत सीन हो गए। तो देर किस बात की, फटाफट से गाइस चालू करते हैं इस शोरूम को डिस्ट्रॉय करने को। तो ये पहला रॉकेट लॉन्चर में छोड़ दिया और लेट्स गो। यहाँ पर पूरे शोरूम में भाई आज तांडव होने वाला है, पूरा शोरूम डिस्ट्रॉय होने वाला है। एक एक वॉल, एक सेकंड यहाँ से मारूंगा, लेट्स गो। ये भी खत्म, मेन काम करता हूँ ना, ये पिलर को ही तोड़ देता हूँ ताकि पूरा का पूरा शोरूम ही नीचे गिर जाए। इतनी बड़ी घड़ी किस काम के लिए लगाई है? और ओ भाई साहब, सारी चीज़ें ऊपर से टूट फूट गई, लेकिन कोई ना, सभी को तोड़ देंगे भाई। कांच तो डायरेक्टली नीचे गिर रहे हैं भाई, अपने सर को बचाओ, इसको भी तोड़ो और ये भी तोड़ने वाला हूँ मैं। सब भी भाई पूरा डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं बचने वाला है। एक सेकंड, ऊपर की तरफ इसका ऑफिस है ना, यहाँ से सीधा भाई साहब छोड़ देता हूँ रॉकेट लॉन्चर को, पूरा का पूरा उसका तहस महस यहाँ से आराम से हो जाएगा। लेकिन चलो अभी भी मेरे पास ना 10 बचे, सारे के सारे भाई यूज करने वाला और सभी को तोड़ देने वाला हूँ भाई, पूरा शोरूम डिस्ट्रॉय करके जाएंगे आज। एक सेकंड, यहाँ पर गाड़ी वगैरह, वैसे गाड़ी को तो मैं बाद में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और भाई 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 चलो कोई ना, इसको भी तोड़ देते यार। मैं अपने पोर्श को बिल्कुल भी नहीं यार चाहता हूँ, लेकिन भाड़ में जाए अभी ये वाली गाड़ी भी। ओके चलो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, आग भी लग चुके हैं यहाँ पर भाई साहब, बाइक बाइक सब कुछ फूट गया, लेकिन ये भी फूटेगा। ओ थोड़ा संभाल के मेरे ऊपर ऐसा ना हो भाई, बॉम्ब का झटका आ जाए। और एक मिनट, अभी ना बाहर चलकर भी सब कुछ तोड़ते हैं। ये चीज़ क्या है भाई साहब, इतनी ज़्यादा LED टीवी से यहाँ पर लगा कर इसने भाई साहब एडवर्टाइजिंग कर रहा है। भाई तोड़ दो भाई, ये सभी को तोड़ दो भाई, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। वैसे मेरे पास सिर्फ अभी एक ही रॉकेट लॉन्चर बच चुका है और इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। बस भाई काफ़ी ज़्यादा मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया इसके शोरूम को, लेकिन यार अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। पूरा का पूरा शोरूम उड़ना जाए तब तक मज़ा नहीं आने वाली है। तो अभी मैं सीधा अंदर जाकर ना पूरे स्टिकी बॉम्ब लगाकर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। इतने बड़े शोरूम को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा तो करूंगा कैसे, क्योंकि देखो यार इतने बड़े शोरूम को तोड़ने के लिए गारंटी बहुत बड़ा बॉम्ब लगने वाला है। लेकिन वेट अ सेकंड, ये पीछे की तरफ ना काफी बड़े बड़े मेरे को ना शायद से सिलेंडर ही लग रहे हैं। अगर समझो ये गैस वाले सिलेंडर पे मैंने स्टिकी बॉम्ब को लगा दिया तो भाई अपना काम बन सकता है। तो चलो यहाँ पर ना जितने भी सिलेंडर अभी मेरे को देखने को मिल रहे हैं ना, सारे तरफ भाई ये स्टिकी बॉम्ब लगने वाले। यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, और भी है क्या? एक मिनट चलकर चेक करके आते। तो यहाँ पर नहीं, लेकिन एक मिनट इनके जो कॉर्नर पिलर्स है यहाँ पर भी लगा देता हूँ। अभी लगभग मेरे पास जितने भी स्टिकी बॉम्ब थे ना, वो सारे स्टिकी बॉम्ब को मैंने उन्हीं सारे सिलेंडर पे लगा दिए, ताकि समझो जब एक साथ वो सारे के सारे स्टिकी बॉम्ब फटेंगे ना तो ये शोरूम की तो भाई पूरी की पूरी धज्जियाँ ही उड़ने वाली है। तो अभी यार मुझे भी यहाँ से ना निकलना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर अगर कोई आए तो और लफड़ा ना हो जाए। लेकिन एक मिनट यार, इतनी सारी ये जो गाड़ी बाहर डगन बॉस ने रखी है ना, इनका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सभी को भाई साहब फोड़ना है। एक सेकंड भाई, अभी अगर मैं यहाँ से फोड़ूंगा मेरे ऊपर ही आ जाएगा डैमेज, तो इसको भी फोड़ देते भाई। किस किस टाइप की इसके पास गाड़ी थी ये देखो, यहाँ पर तो भाई तगड़ी तगड़ी सुपर कार इसने रखे ना। एक मिनट भाई, एक साथ लाइन में ही फोड़ूंगा। अभी एक एक गाड़ी के ऊपर यार स्प्रे होते ही जाएंगे भाई, अपनी मिनी गन यहाँ पर लगी हुई है भाई साहब यार, बाइक के ऊपर बहुत खतरनाक। तो ये भी गई और ऊपर से ये भी गया, और पीछे जो ट्रक है ना बैस क्या, इसको भी फोड़ दूंगा भाई। कोई भी यहाँ पर आने नहीं वाला है भाई साहब, ये लोग ना यहाँ पर फ्यूल वगैरह भरने के लिए भी आते रहते हैं। लेकिन चलो कोई ना, अब एक काम करता हूँ गाइस। ओहो भाई 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 आराम से। तो बस 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 अभी मेरे को ना बटन भी दबाना है और पूरे के पूरे शोरूम को ब्लास्ट भी होते हुए देखना है। ओके तो अब टाइम आ चुका है बटन को दबाने के लिए। तो 3, 2, 1 और ये भाई साहब क्या तगड़ा धमाका हो चुका है भाई। निकल लो अपनी गाड़ी को फटाफट यहाँ से भगाओ,
यार अभी तो भाई यार पूरे लॉस सैंटोस में ये खबर फैलने वाली है। ओ भाई 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 इफेक्ट तो देख रहे हो, अभी भी ब्लास्ट हो रहा है और ये कितना ज्यादा डेंजरस। हम लोग ने भाई पूरा शोरूम ही खल्लास कर दिया। वैसे अभी ना बाइक को लेकर सीधा निकलते हैं क्योंकि अभी गारंटी है कि न्यूज वाले वहां पर पहुंचने वाले हैं। और इसका जो धमाका हुआ है ना ये काफी ज्यादा साउंडेड था यार, मतलब पूरा लॉस सैंटोस तक ये पक्का आवाज गया रहेगा यार। अपने कान नहीं फटे वो बात अच्छी कि हम लोग ने हेलमेट को पहना था, लेकिन अभी अपनी बाइक को फुल भगाते हुए सीधा चलते अपने घर को। और डगन बॉस तो अभी काफी ज्यादा भाई साहब यार लिटरली शॉक्ड होने वाला है और परेशान भी होने वाला है कि गाइस कि ये करा तो करा किसने भाई साहब उसके शोरूम के साथ। ओके गाइस तो अभी ना मुझे लेस्टर का कॉल आया था और लेस्टर ने मुझे तुरंत बुलाया एयरपोर्ट, क्योंकि यार वो लोग जा रहे लिबर्टी को यार, वो जो गोल्डन है ना उसका ही डील करने के लिए। और वैसे एक सेकेंड अभी भी देख सकते हो वो शोरूम में यार जो आग है ना वो अभी भी भाई साहब चली रही है और अभी कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो यार जो सिलेंडर से जो गैस ब्लास्ट हुआ था ना वो गैस वहां पर काफी ज्यादा फैल चुका है और वही आग पकड़ रही है भाई साहब। यार पूरा शोरूम की धजिया उड़ चुकी है यार। वो बात अच्छी है कि ज्यादा भाई उसका ब्लास्ट बड़ा नहीं है, लेकिन सही में बोलो यार क्या डगन बॉस के शोरूम को हम लोग ने ब्लास्ट करके ठीक करा कि नहीं, क्योंकि ये बदला ना मेरे पहले शोरूम का है जब उसने पहले हम लोग के शोरूम को डिस्ट्रॉय करा था। लेकिन एक मिनट भाई यार थोड़ी सी गलत लग गई जम, लेकिन चलो कोई ना। देखो यार इस ना बाइक में कुछ तो अपडेट करा हुआ है, गारंटी हूँ मैं ये तो, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ना ये बाइक काफ़ी छोटी जंप मारती थी, लेकिन अब भी ना डगन बॉस ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करा है जिससे काफ़ी ज़्यादा लंबी छलांग मारती है। और अब भी सही टाइम है, ये देखो भाई पूरे ट्रक के ऊपर से भाई साहब हम लोग ने बाइक को लेकर आए। लेकिन लेट्स गो, मैं ना पहुंच चुका एयरपोर्ट में भी, तो अभी फटाफट से चलकर मिलते हैं पहले लेस्टर से। लेस्टर ने मुझे एयरपोर्ट के रनवे नंबर 1 पर बुलाया है और मेरे को कोई आइडिया नहीं कि एयरपोर्ट में रनवे नंबर 1 लगता कहाँ पर है, तो अभी बस ना मेरी खाली एंट्री हो जाए एयरपोर्ट के अंदर और चुपचाप से मेरे को करना है। और यहाँ से अगर मैं छलांग लगाऊँ तो बाय 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 आराम से। ओके भाई काफ़ी गलत ठुकाऊ, लेकिन चलो भाई अपनी एंट्री तो आराम से हो चुकी है। और वो देखो वहाँ पर वो घोचू अभी भी खड़ा है यार, वो घोचू ना अपनी एंट्री बराबर से कराता नहीं है इसलिए भाई ये करना पड़ता है। लेकिन कोई ना हमारी इल्लीगल एंट्री तो वैसे हुई नहीं है, लीगली एंट्री हो चुकी है क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं है। और अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा कि रनवे नंबर 1 लगता तो लगता कहाँ पर है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना टोटल एयरपोर्ट के 3 ट्रैक्स है, वैसे इसे भी ट्रैक्स ही बोलते क्या, शायद ट्रैक ही बोलते रहेंगे। और वेट अ सेकेंड, सामने एकदम छोटा सा ना मेरे को एक जेट नज़र आ रहा है और अगर समझो वही जेट लेस्टर का हो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, तो एक बार ना वहाँ पर चलकर मैं देख कर तो आता हूँ। भाई देख कर आने में क्या दिक्कत जा रही है, वैसे भी बाइक इतनी ज़्यादा तगड़ी है। तो एक सेकेंड अगर मैं, ओ लेट्स गो, ये देखो दोनों भी यहाँ पर ही खड़े हैं और ये रहा फ्रैंकलिन और ये रहा लेस्टर। तो मैं एक काम करता हूँ अपनी बाइक को साइड में लगाता हूँ और अब इनसे चलकर ना बातें करते और देखते कि ये लोग कहाँ पर मतलब किससे मिलने को जा रहे हैं, क्योंकि लेस्टर ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया कि माफिया कौन है। और ये जेड भाई साहब लेस्टर का है, तो अभी चलकर लेस्टर से बातचीत करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो लेस्टर भी हमें इनवाइट कर रहा है कि हम भी उसके साथ लिबर्टी सिटी में चले और चल करना इस गोल्डन एक के बारे में वहाँ पे डील वगैरह करें। लेकिन देखो यार मन तो मेरा भी कर रहा है कि लेस्टर के साथ इस जेट से लिबर्टी सिटी को जाने के लिए, बट बैड लक ये है कि हमें पहले चल करना लॉस सैंटोस में कुछ काफ़ी बड़े काम करना है। सबसे पहले तो भाई सिमियन को उसके घर से उठाना है, और रही बात तो आज लमार का शायद से कोई रेस वगैरह भी है तो वहाँ पर भी हमें जाना है, तो इनका पायलट भी आ चुका है। तो लेट्स गो, इसने शायद से प्लेन को स्टार्ट कर रहा है, मैं थोड़ा सा दूर खड़े रह जाता हूँ। भाई 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 अब भी यार गलत मेरे सामने ठूक जाता था उसकी पंखड़ी, लेकिन चलो ये लोग ने अपने जेट को यहाँ पर फ्लाइट ले लिया है और अभी सीधा जा रहे ये लोग लिबर्टी को। तो टाटा बाय बाय फ्रैंकलिन और लेस्टर। और अरे 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 भाई आराम से, क्या हो रहा है उसके साथ? ओके तो उसने शायद से यार जेट को ना मोड़ा था, लेकिन मेरे को लगा भाई उसका मिस कंट्रोल हो गया। बट चलो लेस्टर एंड फ्रैंकलिन दोनों भी जा रहे हैं अभी लिबर्टी को। अभी देखो यार लेस्टर ने ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो लिबर्टी में कौन से माफिया के साथ जाकर डील वगैरह कर रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है कि लिबर्टी में एक ही सबसे बड़ा भाई रेस बंदा है जिसके साथ हमारी अभी बातचीत चल रही है, बट मैं वो सामने क्या देख रहा हूँ फटाफट से बायनोकुलर से चेक कर रहा हूँ। तो ये देखो यार जहाँ पर मैंने डगन बॉस के शोरूम को अभी तबाह करा है उसी के ऊपर कुछ कार्गो प्लेन आ चुके हैं जो कि भाई साहब मिलिट्री के। और अभी गाइस लिटरली ये राड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, जब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने करा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी तक यार देखो हमारा बदला तो कंप्लीट हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकलना ही यहाँ से सबसे बेस्ट होगा।
तो देखो यार, डगन बॉस का शोरूम ब्लास्ट करके ना मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ यार। तो चलो अभी ना मैं सीधा जा रहा हूँ अपने घर पे, क्योंकि लमार ने सारी गाड़ियों को अपने घर पर लोड कर दिया। और एक मिनट, ये मैं करने वाला हूँ। ओहो भाई भाई भाई, थोड़ा गलत हो गया, जंप बराबर लगी नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बाकी यहाँ से भी अगर मैं जंप मारूँ तो काम हो सकते हैं। और ओ भाई साहब, ये काम तगड़ा मैंने कर दिया। और ये लोग कहाँ पर आ रहे भाई? अभी ना मैं सही में जाकर ना उस घोचू को भरने वाला था, लेकिन अभी यहाँ पर ना दो दो जन है। अगर एक को मारूंगा तो गारंटी दूसरा भी हमारे पीछे लगेगा। और एक मिनट, यहाँ से ना पुलिस वाले भी जा रहे हैं अपने बाइक को ना, ये लोग घूर रहे थे क्योंकि अपनी बाइक कोई लीगल नहीं है भाई साहब, पूरे गन वगैरह आगे लगे हुए हैं, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा शौक करके पीछे भी आ जाएंगे। तो उससे अच्छा बेटर है गाइस, जितना हो सके उतना फटाफट अभी चलते सीधा अपने घर को और जाकर ना अपने गाड़ियों को मस्त सा टेस्ट वगैरह करने को लेकर जाएंगे। और एक सेकंड, यहाँ से सीधा लगता है हाईवे, तो लेट्स गो गाइस। इस बाइक को लेकर ना मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ तगड़े वगैरह स्टंट कर सकता हूँ। और अभी मेरे दिमाग में ना एक खतरों के खिलाड़ी वाला प्लान आ चुका है। और लेट्स गो भाई, एक ही जंप में मैंने पूरा दो ब्रिज कनेक्ट होते हैं उसको पार कर दिया। देख रहे हो ये कितना ज़्यादा क्रेजी लगता है, और ऊपर से ना पूरी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फील आती है। और अभी ना मेरे को यहाँ से बाइक को मोड़ना है और सीधा यहाँ से जंप एक और लगाना है। और भाई अभी मैं ठूका, लेकिन कोई ना, चलो यहाँ पे कंट्रोल भी इजीली है, बाइक कर लेती हूँ। और हो भाई सीधा मत्ता जाकर भिड़ गया उस स्ट्रीट लैम्प को। लेकिन अभी ना मेरे को अपने बाइक को लेकर जाना है बेनी की गैराज में, क्योंकि अपना जो लमार है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुका है रेस को लेकर। और वो मुझे बोल रहा है कि यार देखो माइकल, तुम्हारे पास जो भी गाड़ी है ना वो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली उस रेस के लिए, तो हमें ना एक गाड़ी को जाकर चुराना है। तो चलकर पता करते कि कौन सी गाड़ी है और क्या सीन हो चुका है। वैसे हम लोग आ चुके हैं बेनी के गैराज के पास, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दो लो राइडर्स वाली कार को खड़ी करी है। तो चलो अपनी बाइक को यहाँ पर साइड में लगाते और चलकर मिलते हैं लमार से। ऑल राइट, तो ये लमार ही बाहर आ चुका है। वैसे किससे फोन पर ये बात वगैरह कर रहे हैं? किसी से कोई सीरियस वगैरह इसकी बात भी चल रही है, लेकिन मेरे से पहले बात करे यार। एक तो उसने तुरंत हम लोग को यहाँ पर बुलाया। यार सही है यार, लमार की गाड़ी कितनी ज्यादा सही लग रही थी ना, और ऊपर से ये ब्लू कलर में भी है तो काफी ज्यादा सही भी लग रही है। सामने वाले ने इसका फोन ही काट दिया। पता नहीं ये किस चीज से इतना पैनिक वगैरह रहता है यार। ये ना रेस से ही काफी ज्यादा पैनिक हो चुका है, मतलब ये अभी बोल रहा था हम लोग हार सकते हैं अगर वो चीज नहीं होगी तो। पता नहीं किस टाइप की चीज है, लेकिन कोई गाड़ी की वगैरह यहाँ पर बात कर रही है। भाई प्लान क्या चल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Shit, he'll kill me quick. Fuck, man. God, okay. Damn, look, man, what are you standing here for, man? Go on, get with the shit, man. Okay, let's go. चलते फटाफट से एक लोकेशन पर जहाँ पे लमार ने जाने के लिए बोला है। तो गाइस अभी ना मेरे को एक लोकेशन पर जाना है जहाँ पर ना ये जो रेस इवेंट होने वाली है उसमें एक काफी तगड़ा बंदा है जो कि हमेशा इस रेस को विन करता है, और वो दोबारा आ चुका है अपने अड्डे पर। तो लमार इसके लिए वजह से पैनिक है, तो उसकी जो गाड़ी है ना उसी को चलकर हम लोग को चुराना है। लेकिन देखो मेरे को पता नहीं कि वो कौन सी लो राइड गाड़ी है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैसी सेम गाड़ी होती है। तो लमार वहाँ पे आएगा और हम लोग को वो वाली गाड़ी को दिखाएगा। तो बाकी आगे का काम मेरे को करना है, उस गाड़ी को चुराना है, लेकिन उसके पहले मेरे को उस लोकेशन पर भी पहुँचना है और वेट करना है जब तक अपना लमार नहीं आ जाता है। तो लेट्स गो, फुल बाइक को भगाते हुए पहुंचते वहां पे। सो हियर वी गो, फाइनली मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, तो मुझे यहां पर ही वेट करना है। तो ये कौन पीछे से गाड़ी लेकर आया है? और एक सेकंड, ये तो लमार है और इसने कपड़े को भी चेंज कर दिया। भाई कितने बदलते कपड़े। ओके, तो मुझे लग रहा है यार जो अड्डा है ना वो इसके अंदर है, क्योंकि लमार वहां पर देखकर काफी ज्यादा भाई साहब बवाल कर रहा है। ओके, तो देखो गाइस यहाँ पर ना लमार काफी ज्यादा ना पैनिक है और डर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि यार समझो अगर वो बंदा उस गाड़ी को लेकर रेस में आ गया तो हम लोग हारेंगे। लेकिन अगर हम लोग वही गाड़ी को लेकर रेस में गए तो हम लोग कंफर्म जीतेंगे। तो ये जो सामने से गाड़ी आ रही है ना,
इसी गाड़ी को चलकर हम लोग को चुराना है, और ये बंदा भी उस गाड़ी को लेकर अड्डे पे ही जा रहा है। तो चलो, मैंने गाड़ी तो देख ली है। ओके, तो यहाँ पर लमार ने बोला है कि वही वो वाली गाड़ी है जिसको चुराना है, और कैसे भी करके चुराना है, क्योंकि अगर वो गाड़ी मिल गई तो समझ लो रेस हम लोग ही जीतेंगे। तो चलो गाइस, अभी चलते अड्डे के अंदर और चलकर उस गाड़ी को चुराते हैं। देखो, वहां जाने से पहले ना मुझे अपनी गाड़ी को भी यहाँ पर सिक्योर करना पड़ेगा। और वो देखो गाइस, वही वो गाड़ी है जिसको हम लोग को चलकर चुराना है, और वो चल चुकी है उसी अड्डे के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ ना, अपनी इस बाइक को सेफ रखने के लिए अपने फटाफट से बॉडीगार्ड को फ़ोन लगाता हूँ और उनको ये वाला एरिया बताता हूँ, और वो लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर सीधा अपने घर पर जाएंगे। लेकिन देखो, मुझे भी डायरेक्टली उनके अड्डे पे नहीं घुसना है। तो यहाँ पर एक मस्त सी सीढ़ी बनी हुई है, तो इसी के ऊपर चलकर ना मैं देखूंगा पहले इस बिल्डिंग से कि वहाँ पर क्या सीन है, कितने बंदे वहाँ पर है, तो ये सब पता करेंगे और फिर ही वहाँ पर हाथ मारेंगे। ऑल राइट, तो मैंने अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल करके इस एरिया का लोकेशन दे दिया है और अपनी बाइक को यहाँ से उठाकर जाने के लिए बोल दिया है। तो वो अपना काम तो कर लेगा, लेकिन मैं आ चुका हूँ इस बिल्डिंग के टेरिस पर, और अभी ना मेरे को चल कर पता करना है कि वो जो गैंग है वो उस अड्डे में करती क्या है। मतलब सबसे पहली बात तो पीछे एक पुलिस स्टेशन है, और यहाँ पर आकर वो लोग चिल वगैरह करते, तो ये किसकी गैंग है भाई साहब, देखना ही है मेरे को। वैसे इस बिल्डिंग के कॉर्नर से मेरे को एकदम मस्त तरीके से भाई साहब उनका पूरा अड्डा देखने को मिल चुका है। एक काम करता हूँ, पहले ना अपने बायनोकुलर्स को ही देखता हूँ। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ बायनोकुलर से, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ भाई साहब, यहाँ पर जितनी भी गाड़ी है ना, वो सारे के सारे लो राइड सी गाड़ी है। ये गाड़ी पर नज़र मारो यार, कितनी ज़्यादा सही लग रही है। और आगे भी एक बंदा है भाई साहब, पूरी 360 बर्नआउट मार रहा है गाड़ी को लेकर। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारा ना बंदे भी है, तो इनके ऊपर भी नज़र रखना है, क्योंकि मैं अभी ना रैंडमली इस अड्डे पे जाने वाला हूँ और ट्राई करूँगा इस गाड़ी को उठाने का। देखो गाइस यार, ये वाली वो गाड़ी है जिसको हम लोग को चुराना है। लेकिन यहाँ पर यार काफ़ी सही सही गाड़ी है, ये वाली देखो, उसके बगल में ये वाली देखो। लेकिन उस गाड़ी का मेन ओनर ये वाला है, तो इसको भी मेरे को ख़त्म करना पड़ेगा। अब ख़त्म करने के लिए ना देखो, अपने पास यहाँ पर स्नाइपर तो पड़ी है, मैं यहाँ से ना सीधा भाई साहब इसका मत्ता उड़ा सकता हूँ। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने उस बंदे को टारगेट करा ना, तो इनमें से कोई ना कोई पक्का उस गाड़ी को लेकर यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे, तो ये चीज़ मेरे को करनी नहीं है। तो मेरे को क्या करना है पता है क्या, जितना हो सके ना उतना क्लोज उन लोग के पास पहुँचना है और फिर इसी काम को करना है। तो एक काम करता हूँ, स्नाइपर को रख देता हूँ। ओके चलो, यहाँ पर नीचे एक मस्त सी छत बनी है, तो मैं आ चुका हूँ। और एक मिनट भाई, पुलिस का मेरे को यहाँ पर सायरन वगैरह सुनाई दे रहा है। कहाँ तो पुलिस आ चुकी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे। वैसे चलो कोई ना, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नीचे गैस टैंक है जिसके ऊपर मैं आ चुका हूँ, तो आराम से अभी ना इस बॉक्स के ऊपर भी चलते। चलो 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 चलो, मस्त तरीके से हम लोग ना पहुँच चुके। और ये देखो, यहाँ पर ही ना हम लोग को आना है इसके अंदर। अभी आने के लिए मैं कैसे जाऊँ यार, ये तो पूरा ओपन एरिया है, तो करूँ तो करूँ कैसे। लेकिन समझो, अगर मैं पीछे से अटैक करूँ इन लोग के, तो बात बन सकती है यार। और सही में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे भी है। तो चलो गाइस, अभी ना सही वाला काम करते, पीछे से ही चलते, बस अपने को ना कोई देखे ना, ये बस मैं दुआ कर रहा हूँ। और नहीं नहीं नहीं, यहाँ से तो कोई नहीं देख सकता, तो पीछे जाने के लिए भाई साहब इतना बड़ा सामने गेट है, कैसे करूँ यार। इस बॉक्स के ऊपर से चढ़ कर भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन यार थोड़ी ना जाली है ऊपर की तरफ, और उसके अंदर गारंटी करंट वगैरह पास होता रहेगा, तो मैं ये कर नहीं सकता। लेकिन चलो चलो, किसी का नज़र नहीं है, यहाँ से लेट्स गो। सामने एक भाई ब्रिक्स वाला वॉल है, तो अगर इस पिलर पर मैं चढ़ गया तो बात बन सकती है, और अपने को कोई देखे ना, बस 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 आराम से माइकल। तो चलो चलो चलो, अभी अपना गाइस ना फुल खतरनाक काम बन चुका है, तो धीरे धीरे करते हुए अभी बढ़ते आगे की तरफ, और लेट्स गो। ये वाला लोकेशन ना बहुत ज़्यादा सही है, तो इस घास के अंदर ही एक बार ना छिप कर रहते हैं, क्योंकि अभी ना मैं इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने वाला हूँ, लेकिन बस कोई पीछे मुड़ के देखे ना। ऑल राइट गाइस, तो मैंने ना अपने हाथों में ना सप्रेस पिस्तल को लेकर रखा है, ताकि देखो यार मैं ना यहाँ पर पहले दो बंदे को टेकडाउन करने वाला हूँ, और अगर कोई अलग बंदूक निकालूंगा तो सामने पुलिस स्टेशन मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो पक्का पुलिस यहाँ पर पहले ही पहुँच जाएंगे और हम लोग गाड़ी को नहीं चोरी कर सकेंगे। तो टाइम आ चुका है कि पहले ना इस ओनर को ठोक देते। तो 3, 2, 1 एंड गो। ये गया, ये भी गया, साइलेंट किल। अरे भाई साहब, पता चल गया लगता है, क्या करूँ यार, पिस्तल काम नहीं आएगी। फटाफट से अपनी यहाँ पर ना मैंने निकाल दी मशीन गन को। एक मिनट, इसको लो पहले। भाई साहब बातें चल रही है। ओके ओके, आ गया बंदे। चल भाई, इसकी खोपड़ी गई। कहाँ से मार रही है वो लेडी आंटी, इधर आओ बे। तेरी ऐसी की तैसी भाई,
एक मिनट भाई, कवर लेना पड़ेगा भाई, सभी को पता चल चुका रहेगा। वेट 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 वेट, आज अबे तेरी ऐसी के तैसी गंजे निकल ले, लेट्स गो। इसको भी मैंने ले लिया, बाकी और कहाँ पर है? अबे सारे यहाँ पर थे। ओके ये देखो भाई, दिख ही नहीं रहा था कहाँ पर है, और वो देखो कैसा फंस गया वहाँ पे। चलो चलो, ओह ओह गाड़ी के नीचे छुप रहा था बंदा, लेकिन चलो इसको भी ले लिया। लेकिन एक सेकेंड अभी भी ना कहाँ से तो कोई फायर कर रहा है, बट पता नहीं चल रहा है कहाँ से। एक मिनट, उसको ना थोड़ा सा भाई यहाँ पर ना खतरनाक तरीके से मारेंगे। कहाँ पर है बंदा? अबे तेरी ऐसी की तैसी निकल ले भाई। ऑरेंज कलर की हुडी पहना था, लेकिन चलो भाई उसको भी ले लिया। मेरे को लगा भाई काफ़ी क्रेजी वाली ऑरेंज कलर की हुडी रहेगी, लेकिन कोई ना यार, ऑरेंज वाला जो हुडी रहता है ना काफ़ी सही लगता है। लेकिन चलो इसको भी ले लिया मैंने। बाकी यार मेरे को ना पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सी गैंग है यार, मतलब ना ये कोई बलास है, ना ये कोई भाई साहब ग्रीन गैंग है यानी कि फैमिलीज की, और ना ये कोई वेगास की गैंग है। पता ही नहीं चल रहा है यार कौन सी गैंग है। लेकिन लेट्स गो, फाइनली ये देखो अपने हाथ में लग चुकी है वो वाली लो राइडर गाड़ी। इसको लेकर तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले ना मैंने अपने यहाँ पर बॉडी गार्ड्स को भी फ़ोन करके बोल दिया है कि यहाँ पर जितने भी लो राइड्स हैं ना, इन सभी लो राइड्स गाड़ियों को सीधा उठाकर लेकर जाओ अपने गैराज में, क्योंकि अभी ये वाली जो गाड़ी है ये सभी के सभी भाई साहब हम लोग बेचेंगे। और भाई ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही यार, मैं बैठ तो चुका हूँ लेकिन पता नहीं इसका कोई सिस्टम लॉक रहेगा। एक मिनट, इसको तोड़ना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ओके गाइस, फाइनली मैंने सिस्टम लॉक को भी तोड़ दिया और फाइनली ये जो गाड़ी है ये अपने हाथों में लग चुके हैं। तो चल भाई सामने मस्त सा रैम मिल गया, फटाफट यहाँ से गाड़ी को उठाते और सीधा चलते। और ओहो भाई यार सही में 10 इंच के लिए अपनी गाड़ी बच गई, वरना उधर जाकर भिड़ जाती। तो अभी इसको सीधा लेकर चलते लमार के घर पे, क्योंकि लमार ने मेरे को वहाँ पर ही मिलने के लिए बुलाया इस गाड़ी को लेकर आने के लिए। तो चलो भाई यार काफ़ी क्रेजी गाड़ी लग रही है यार। पहली बात तो ये देखो यार, ये कितनी ज़्यादा भाई ज़मीन से चिपकी हुई है, मतलब जो सुपर कार होते हैं ना एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले वो होती है भाई साहब ग्राउंड टचेड। लेकिन ये देखो भाई, ये तो पहले से पूरी की पूरी टच है। और इसका आगे का देखो भाई क्या कार है यार, मतलब चलो इसको लेकर हम लोग रेस करने वाले। और मेरे को लग रहा है शायद हम लोग गारंटी ना इसको लेकर रेस को जीत जाएंगे। और वेट अ सेकेंड, मुझे ना पहले एक काम करना है, यहाँ पर जो फ्यूल है ना इस गाड़ी में पूरा भर देना, क्योंकि आधा ही फ्यूल है, तो मैं पहले इसको फिल कर देता हूँ। ऑल डन, तो मैंने फ्यूल को यहाँ पर पूरा का पूरा भाई साहब भर दिया और अपनी गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा मस्त स्मूथ चलने वाली है। तो चलते और एक सेकेंड भाई भाई भाई, दे रहा हूँ मैं तेरे को पैसा, शायद से तू पैसा मांग रहा है, गन को अंदर रख दे, नहीं तो खाली पुकट पहले ही डर के जाएंगे। क्या सर आपको क्या चाहिए? नीड मनी, यही लिखा है ना, एक मिनट पढ़ने दो। नीड मनी फॉर बेटर डू नॉट, भाई आगे क्या लिखे? पॉइंट एंड हुक, इस चीज़ के लिए पैसा तो मैं दूंगा भी नहीं। छोड़ो निकल दे अपना सीधा भाई, ऐसे चीज़ के लिए पैसा कौन देगा भाई। लेट्स गो, निकलते सीधा यहाँ से, क्योंकि लमार का अभी मेरे को जस्ट फ़ोन आया था। लमार ने हम लोग को तुरंत अपने घर पर बुलाया, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड है जो कि इस गाड़ी को देखना चाहता है। और देखते हैं कि भाई साहब उसके फ्रेंड का क्या रिलेट है भाई इस गाड़ी को लेकर, मतलब अभी ऐसा ना हो कि भाई ये गाड़ी लमार अपने दोस्त को दे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं यार, कुछ भी कर सकता है लमार। एक तो पहले एक गाड़ी को चोरी करने के लिए बोला, ऊपर से अपने रेसिंग कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है, और अगर वो रेसिंग कंपटीशन हम लोग जीत भी गए तब भी यार उसका प्राइस यार उस खुद ही लेकर जाने वाला है। तो कोई ना, चलो उसका जो घर है ना वो यहाँ से कहाँ तो पास ही में यार, पता भी नहीं चलता। एक तो फैमिली इसके भाई साहब ना पूरे अड्डे भरे हुए हैं, लेकिन एक मिनट मैं ना काफ़ी गलत आ चुका हूँ। देखो यार यहाँ पर ना कोई भी जो फैमिली की गैंग है ना हम लोग को कुछ करेगी नहीं, क्योंकि इनके साथ ना अभी हमारी रिलेशन अच्छी चल रही है। लेकिन एक बार हम लोग ने पता है यार फैमिली को बहुत गलत मारा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शायद से मेरे को लग रहा है यहाँ पर ही आना था ना। ओके तो वेट अ सेकेंड, बुलाया तो उसने यहाँ पर ही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है भाई कहाँ पर। एक तो देख रहे हो यार कितने गली गली से बने हुए हैं ना, तो यार काफ़ी ज़्यादा भाई समझ में नहीं आ रहा है। और शायद से ये लास्ट वाली जो गली है यहाँ पर ही होगा। तो नहीं 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 भाई, उसका जो घर है ना वो थोड़ा सा इसी टाइप के एरिया में। लमार से कांटेक्ट करके ना मैंने अभी उसके प्रॉपर घर की लोकेशन के बारे में पता करा है, तो अभी मुझे ना वहाँ पर ही सीधा चलना है और जाने वाले। ओहो भाई बुड्ढे आराम से क्रॉस कर ले यार, देख कर कर, वरना अभी तेरे ऊपर ये गाड़ी चल जाती तो भाई साहब तू तो पिचक ही जाता। वैसे ये गाड़ी भी पिचकी हुई है और ही भाई साहब गलत ही दब जाता, लेकिन चलो कोई ना। ये वाला जो है ना बिल्डिंग यानी कि रेसिडेंट कह सकते हो फैमिली गैंग की, तो यहाँ पर ही मेरे को गाड़ी को लेकर आना है। और यहाँ पर ही उसका दोस्त और लमार का घर है, तो एक काम करता हूँ गाड़ी को ना इसके अंदर रखता हूँ। और बाकी ना एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, इस गाड़ी को आप लोग देखो यार, मैं जो हाथ है ना अपना मस्त तरीके से अपने दरवाजे पर रख के यहाँ पर चल रहा हूँ। तो चलो उतरता हूँ यहाँ से और अभी मैं लमार को एक कॉल भी कर देता हूँ और उसको मैं बोल देता हूँ कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो फटाफट से बाहर आकर देख लो।
ऑल राइट, तो फाइनली लमार आ चुका है अपने दोस्त के साथ। ये कभी मैंने बंदे को देखा ही नहीं है। Come on, it ain't my fault fools out here knocking each other heads off like it's going out of style. Come on, G-Man, you know me, dog. I'm a hustler. I'm a gangster. I'm hard, man. It's families, man. And when Bernie cut me up with a samurai sword and feed me to his dogs, he gonna see families all inside of me. मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं क्योंकि इन दोनों का ही बहस चलने दो भाई साहब। और इसका दोस्त कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है भाई साहब लमार के ऊपर, पता नहीं क्या सीन है। ए, भाई मुझे कुछ तो भाई बोल के गए ये तो। भाई ये क्या बात हुई यार, इतनी गाड़ी चोरी करके लाया। चलो छोड़ो कोई ना यार, बोलने वाले बोल भी लेते हैं, लेकिन एक बार गाड़ी का लुक देखता हूँ यार मैं भी, कितना ज्यादा सही लग रहा है। और इसके पीछे ना इन लोग ने ईस्ट साइड लिखा हुआ है, ऐसे ईस्ट साइड मैं काफी रिलेट कर रहा हूँ। और गाड़ी के अंदर भी एक मस्त सा प्यारा प्यारा छोटा सा मंकी वाला टॉय है, लेकिन इसके इंटीरियर्स कितने ज़्यादा सही है यार। तो चलो इसकी थोड़ी सी ना राइड वगैरह करते हैं, क्योंकि इतनी सही गाड़ी अपने हाथ लग चुके हैं, तो क्यों ना यार थोड़ा सा घूम कर आए। गाइस लमार बता रहे हैं कि पहले ना इस गाड़ी को लेकर बेनी के पास जाओ और वहाँ पर जाकर ना इस गाड़ी को पूरा मॉडिफाई कर दो, मतलब जितना भी सब कुछ यहाँ पर है ना, जैसे इंटीरियर्स, इसका कलर, और सबसे मेन बात जो कि ये इसका जो नंबर प्लेट, उसको चलकर पहले चेंज कर देना, क्योंकि लमार ऐसा बता रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस एरिया में और गैंगस्टरों के बीच में, तो सभी जन ने इस गाड़ी को पहचानते, तो दिक्कत आ सकती है अगर हम लोग ना ज़्यादा इस गाड़ी को एरिया में चलाए तो उससे अच्छा यार फटाफट चलते बेनी के गैराज में, ताकि इस गाड़ी को ना कोई भी उस रेस इवेंट में कोई भी गैंगस्टर इसको पहचान न पाए, और हमारा पार्टिसिपेशन भी वहां पर इजीली हो जाए, कोई किरकिर ना हो। और रही बात तो यार इसको करने में ना सिर्फ एक घंटा है, क्योंकि लमार ने बताया कि रेस एक घंटे में शुरू होने वाला है, तो सीधा अपनी गाड़ी को भगाते हुए लेकर चलते बेनी के गैराज में और चलकर इसको मॉडिफाई करते हैं। ऑल डन गाइस, तो यहाँ पर फाइनली अपनी लो राइडर को मैंने पूरी तरह से कस्टमाइज कर दिया है। वैसे यार जो पेंट इसके ऊपर है ना वो सेम ही है आप लोग बोलोगे, लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस गाड़ी के ऊपर ना मैंने एक लिवरी को चिपका दिया है जो कि बेनी ने करा है, और आगे की तरफ एक नंबर प्लेट है जहाँ पर मैंने बेनी कस्टमाइजेशन कर दिया है, बट हाँ अपना जो नंबर प्लेट है वहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ABG यानी कि अपने चैनल का नाम, और उसको भाई साहब पूरा ब्लैक कर दिया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पर ना कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। और बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैंने चेंजेस करे नहीं है, इस गाड़ी के पूरे थीम को ना यहाँ पर मैंने रेडी करा है, नीचे नियॉन लाइट्स को भी रेड करा है, और अभी मैं आप लोग को टायर के स्मोक दिखाता हूँ तो ये भी मैंने रेडी कर दिया है। लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोग को मेन चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ पर ईस्ट साइड लिखा था ना वहाँ पर मैंने बेनी ओरिजिनल मोटर वर्क्स को लगा दिया है, ताकि अभी कोई भी डाउट नहीं करेगा। और हाँ एक और चीज़ मैंने करी है शायद से, ये जो हुड के ऊपर आप लोग देख सकते हो ना जो एग्जॉस्ट टाइप है कुछ, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ चेंजेस करे, तो इस गाड़ी को चलकर ना मैं पीछे लगा देता हूँ, ताकि अभी लमार यहाँ पर आएगा तो हम लोग को निकलना भी है। अब पता नहीं लमार कौन सी अपनी लो राइडर को लेकर आने वाला है, ये वाली कि वो ब्लू वाली पता नहीं, बट अपनी जो लो राइडर है इसका नाम है बकनीर, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा सही नाम कर रहा है। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, तो ये देखो यार इस गाड़ी के अंदर ना मैंने हाइड्रोलिक्स को भी डाल दिए भाई साहब यार, जिससे ये गाड़ी ना अभी पूरी तरह से भाई यहाँ से वहाँ पर जंप मारेगी, भाई पूरी यार फील दे रही है जैसे सैन एंड्रियास में होता था। तो ये देखो पीछे से भी और ये अभी आगे से भी, तो चलो चलो बस बस बस, वरना ज़्यादा इस पर दिक्कत आ जाएगी, स्क्रैचेस वगैरह आएंगे, एक तो इतनी तगड़ी मॉडिफिकेशन करिए। वैसे देखते हैं कि लमार कौन सी गाड़ी को लेकर आने वाला है, तो मैं ना यार उसका आने तक वेट ही करता हूँ अंदर। और बेनी को ये खुशखबर देते हैं कि एक शोरूम को हम लोग ने बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी करा है। ओके, तो फाइनली लमार आ चुका है, और इसका रिएक्शन देखो यार, जिस तरह से उसने वो मॉडिफिकेशन को देखा है ना, उसको देखने के बाद तो भाई हक्का बक्का हो गया। तो अभी चलो सीधा चलते रेस को, लेट्स गो गाइस, तो चलते अभी सीधा गाड़ी में बैठकर उसी रेस इवेंट को, लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं सीधा अपने अपने लो राइडर्स को लेकर उसी रेस में। लमार अपनी ब्लू कलर की ले रहा है, तो मैं अपनी फटाफट से ये वाली लो राइडर के अंदर बैठता हूँ, थोड़ी आराम से चला लेता तो भाई कोई ठुकती नहीं गाड़ी, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है भाई साहब जाने को उस रेसिंग टूर्नामेंट में। तो मैंने भी अपनी गाड़ी को मस्त तरह से यहाँ पर पीछे ले लिया, तो अभी फुल भाई साहब चलते हैं। वैसे भाई सड़क काफ़ी गीली लग रही है, अभी ना हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, लेकिन चलो वो बात अच्छी कि बारिश रुक गई, वरना भाई ये गाड़ी सड़क पे चलने का भाई नाम ही नहीं लेती, काफ़ी स्लिप भी हो जाती यार। लेकिन हाँ अभी लमार के साथ ना मेरे को पीछे पीछे फॉलो करना है, और इसी के साथ ही हम लोग को चलना है,
तो चलो भाई भाई देख रहे हो कैसे वो एग्जॉस्ट मार रहा है और ओ आराम से थोड़ा चला लिया यार, अब भी मॉडिफाई करा है। तो चलो फॉलो करते करते पहुंचते उसी रेसिंग टूर्नामेंट के लिए। वैसे उस रेसिंग टूर्नामेंट में ना बड़े बड़े गैंगस्टर भी आ चुके हैं, तो इतना कंफर्म है कि अपनी भी वहां पर ना पहचान होने वाली है, जैसे कि वेगास बेलास और फैमिली गैंग भी। तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन चल कर देखते कि क्या सीन है। बाकी ये भाई साहब बेलास के अड्डे में क्यों लेकर जा रहा है। सो हियर वी गो, फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं द गैंगस्टर स्ट्रीट रेसिंग कॉम्पिटिशन में, और यहाँ से अपनी गाड़ी को मेरे को अंदर की तरफ लेना है। वैसे भाई पूरा इवेंट यहाँ पर तगड़ा चल रहा है, और अब एक काम करता हूँ, लमार ने अपनी लो राइडर को यहाँ पर लगाया, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे साइड में लगाता हूँ और इसको मैंने डरा दिया। चलो वैसे ना मैं एक मिनट उतर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को ना पहले चल के पूरा इवेंट देखना है। यहाँ पे देख रहे हो भाई पूरा का पूरा भाई साहब पूरा बेलास गैंग का जो अड्डा है पूरा भर दिया भाई इवेंट से। लेकिन अपना जो लमार है वो शायद वहाँ पर जाकर किसी से बात कर रहे हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो ग्रीन गैंग की जो गाड़ी आई हुई है ना भाई, ये कौन सी कस्टमाइजेशन करी इस गाड़ी के ऊपर, कितनी बड़ी लंबी लंबी छलांग मार रही है। ये देखो भाई क्या सही लग रहा है यार, यार अपनी गाड़ी भी ऐसा हुप कर रही है। मैं आप लोगों ने चलकर दिखाऊंगा, लेकिन ये भाई साहब नेक्स्ट लेवल की मॉडिफाई है। बाकी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ काफी सारे यहाँ पर लो राइडर्स के और भी गाड़ी आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाली देखो भाई, कस्टमाइजेशन देखो, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर इन कलर से मैं पहचान गया हूँ, तो ये बेलास वाली ही है। यहाँ पर भाई साहब गिटार बजा रहे, जहाँ की वहाँ पे इतना तगड़ा भाई साहब पूरा डीजे वगैरह चल रहा है। और ये किसकी गाड़ी है यार, वैसे दो दो यहाँ पर फैमिलीज गैंग आ चुके हैं रेसिंग करने के लिए, और हम लोग मिलाकर टोटल चार। आगे की तरफ यहाँ पर वेगास की गैंग है, आप लोग देख सकते हो। और एक सेकेंड, ये जो लास्ट में जो खड़ी है गाड़ी, ये भाई साहब पता नहीं किस टाइप की गैंग की है, मतलब ये वाली गैंग तो मैंने कभी देखी नहीं है। रेसिंग के साथ साथ यहाँ पे एक मस्त वाली डीजे पार्टी को भी रखा हुआ है, और ऊपर की तरफ जो डीजे वाला है वो काफी ज्यादा सही यहाँ पर बीट बीट बजा रहा है यार, पूरी फील दे रहा है। और यहाँ पर देख रहे हो बंदे लोग काफी क्रेजी यहाँ पर डांस वगैरह कर रहे हैं यार, पूरे पागल हो चुके हैं। ऐसे टाइप के इवेंट्स में ना काफी बंदे आते हैं यार देखने के लिए। वैसे यहाँ पर देख रहे हो इस ट्रक के ऊपर, वैसे ये भी ट्रक नहीं, ये भी कोई लो राइडर है, लेकिन ये थोड़ी सी ऐसी लग रही जो वैन होती है ना उस टाइप की। तो यहाँ पर भी पूरे भाई साहब बंदे बंदियाँ सारे एंजॉय कर रहे इस इवेंट को। और अभी ये देख रहे हो, ये बंदे को देखकर ना मैं काफ़ी ज़्यादा जल रहा हूँ। हम लोग भी ना अपनी गाड़ी को अभी ऐसे उछालने वाले, लेकिन उससे भाई साहब ये बंदे ने काफ़ी खतरनाक करा है, अपनी गाड़ी को ना बेंड करा है वन साइड को। तो ये लो राइडर गाड़ी में ना काफ़ी होता है मॉडिफिकेशन ऐसी टाइप की, तो हम लोग ने भी सारा कुछ करा है। इसके अंदर जो हाइड्रोलिक्स हम लोग ने डाला है ना गाइस, उससे ये सब कुछ अभी काम इजीली होने वाला है। वैसे मेरे को दरवाज़ा बंद करना था यार, एक सेकंड यार, अगर दरवाज़ा खुला रह गया ना तो गारंटी वो दरवाज़ा टूट जाएगा, तो मैं ना पहले उसको चल कर ना बंद कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो चलो ये हो चुका है बंद, इस बार हिसाब से सारे दरवाजे बंद करें, और अभी हिसाब से माइकल ने भी दरवाजे को बंद करके रखा है। तो चलो अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते, और थोड़ा सा यहाँ पर ना इन लोग को अपनी भी भाई तशन दिखाते गाड़ी की। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मैंने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर करा है, तो अभी टाइम आ चुका है गाइस लेफ्ट या राइट साइड को बेंड करने का। तो चलो ये देखो, जैसे इसने करा है वैसे सेम टू सेम मैंने भी कर दिया, और बंदा घूर के देख रहा था अभी के लिए। लेकिन चलो थोड़ा सा यहाँ पर और भी करेंगे, ये साइड भी बेंड करेंगे। यार क्या सही लग रही है यार ऐसे टाइप में गाड़ी चलाने के लिए, देखो मैं इसको चला भी सकता हूँ भाई साहब। यार ये लो राइडर्स गाड़ी ना काफ़ी सही होते हैं। लेकिन हाँ अभी टाइम आ चुका है यहाँ पर थोड़ा सा अपनी गाड़ी को जंप बूस्ट देने के लिए। तो ये रहो, लेट्स गो भाई साहब, हम लोग भी उसकी तरह जंप कर सकते हैं। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। काफ़ी ज़्यादा भाई जंप लग गई, लेकिन चलो अच्छी बात है कोई डेंट ज़्यादा बड़ा आया नहीं। लेकिन चलो भाई ये अपने से होगा नहीं, क्योंकि इसको करने के लिए प्रोफेशनल लगता है। तो अभी मैं चल कर देख लेता हूँ कि लमहार भाई वहाँ पर कर क्या रहा है और किससे बातें वगैरह कर रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पर कोई मैडम आ चुकी है, और यही मैडम ना पूरी इस रेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। तो यहाँ पर वो बस हमारा पार्टिसिपेशन के लिए नाम वगैरह ले रही है, तो फटाफट इसको मैं दे देता हूँ, और अपनी गाड़ी वगैरह भी ये लोग चेक करेंगे, तो सारा कुछ डन करते हैं। ऑल राइट, तो फाइनली इसने हमारा सारा कुछ चेकिंग वगैरह कर लिया और हमारा यहाँ पर नाम भी लिख लिया है, और इसने मेरे को बोले सिर्फ 5 मिनट है। तो अभी ना एक काम करो, फटाफट जाओ बाहर की तरफ और जाके ना अपनी पोजीशन पर खड़े रहना। तो चलो ये सारे भाई यहाँ से निकलने वाले, लेकिन ना सबसे पहले मुझे अपनी यहाँ से गाड़ी को निकालना पड़ेगा, ताकि ये लोग भी अपनी गाड़ी को भाई साहब बाहर निकाले। तो चलो फटाफट से ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ बाहर की तरफ, और चल के बाहर ही यहाँ पर वेट करते।
तो बस 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 ये वाला ही शायद से लाइन है जहाँ पर रेस स्टार्ट होगी यहाँ से। तो मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ, तो बाकी के भी रेसर जो है वो आएंगे यहाँ पे और यहाँ से फिर शुरू होगी रेस। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना सभी के सभी गैंगस्टर अब अपनी गाड़ी को लेकर रेसिंग ट्रैक पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकता हूँ पीछे की तरफ जितने भी ऑडियंस है ना, वो भी सभी अभी बाहर आकर ना यहाँ पर चेयर वगैरह कर रहे हैं। लेकिन यार लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा सही रेस होने वाला है, तो सभी यहाँ पर एक्साइटेड है। लेकिन ये जो राइट साइड में गाड़ी है ना, इसको देखकर थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि भाई यार ये गाड़ी मॉडिफिकेशन इतनी खतरनाक करके आई है, तो क्या पता ये रास्ते पर भी काफ़ी तेज़ चल रही होगी, तो इससे थोड़ा सा डर तो लग रहा है। लेकिन आप बाकी के भी गाड़ी सीधे साधे यार, मतलब इतने ज़्यादा कोई प्रोफेशनल गाड़ी लग नहीं रही है अपने मुकाबले। लेकिन ये वाली और उसके पीछे जो वाइट एंड ग्रीन है ना, वो भी थोड़ा सा भाई खतरनाक है। लेकिन चलो यार यहाँ पर डरेंगे नहीं, यहाँ पर थोड़ा ऑडियंस को ना भाई साहब पूरा भाई मजे देते, क्योंकि ना यहाँ पर ऑडियंस ना अपने ये सब स्किल देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान है। और भाई ये किस तरह से हो रही है भाई गाड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पालने के अंदर बैठा हूँ। लेकिन चलो कोई ना, यहाँ पर थोड़ा सा ओहो ये काफ़ी क्रेजी यार भाई साहब हाइड्रोलिक्स है। लेकिन चलो दोबारा यहाँ पर करते हैं, भाई साहब देख रहे हो गाइस थोड़ा सा सही लगता है, बट अभी ना थोड़ा सा यहाँ पर छोटा भी करते हैं, लेट्स गो। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर मैं क्रेजी स्टंट सीख चुका हूँ इस गाड़ी को लेकर। लेकिन यार मेरे को अभी भी पता नहीं चल रहा है कि जो लमार है ना, वो गाड़ी को लेकर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है, और वो अभी भी उसी बंदे से बात वगैरह कर रहे हैं, और रेस यहाँ पर जल्दी शुरू भी होने वाली है। बट कोई ना, चलो मैं तो यहाँ पर पूरा प्रिपेयर हूँ। ऑल सेट गाइस, तो यहाँ पर अभी रेस शुरू होने वाली है, और हमारी जो पोजीशन है वो आप लोग देख सकते हो, सारी गाड़ियों से सबसे फर्स्ट पोजीशन है, और साथ ही में अपना लमार भी भाई फर्स्ट पोजीशन पर ही है। लेकिन पता नहीं लमार ने कोई को ड्राइवर को यहाँ पर सेट करा है। लेकिन चलो गाइस, यहाँ पर जो रेस है वो अभी शुरू होने वाली है, तो ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 एंड लेट्स गो 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 भाई, चल चल चल। अबे भाई गाड़ी को ठोक दिया पीछे से, क्या पागल रहेगा। और ये देखो यार, मेरे को लगा ही था यार वो बंदा ना काफ़ी ज़्यादा क्रेजी गाड़ी को लेकर आया है, और लेट्स गो वो जाकर भाई साहब पेड़ को ठोक गया। लेकिन चलो ये मस्त मौका मिल चुका है, बाकी आगे लमार भी ठोक गया। लेकिन चलो चलो चलो, अपने को भाई साहब पहले आने गए। वैसे एक बार पीछे देखो, ये देखो सारे भाई साहब रेसर एक दूसरे को ठोक रहे हैं। लेकिन एक मिनट यार, मेरे को ना ट्रैक देखकर चलना है। अब देखो यार इन लोग ने ना साइड में बगल बगल में, ओ लमार बगल से चला रहा है, और वैसे वो लमार नहीं चला रहा है यार, पता नहीं उसने कोई को ड्राइवर को अपना सेट करके रखा है, वो तब भी किसी से बात करने के लिए गया था। लेकिन चलो छोड़ो, यहाँ पर पूरे अपने रेस पर फोकस लगाते हैं। भाई साहब उसका कोई ड्राइवर यार इतनी तगड़ी गाड़ी को कैसे चला ले रहा है। वैसे चलो अपनी भी लोड राइड काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है, और बाकी पीछे रह गए भाई सारे के सारे। भाई ये कितना ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है। वैसे चलो एक मिनट, यहाँ से ना मैं शॉर्टकट ही मार देता हूँ भाई, डायरेक्टली शॉर्टकट लगा देंगे। चल 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 लेट्स गो। तो यहाँ से शायद से मेरे को जाना है ना, वेट, अबे नहीं मैं गलत आ गया भाई। चलो चलो अपनी गाड़ी को भाई सीधा लो वापस। ओके तो ये देखो यार, ये मैं काफ़ी गलत आ गया था, अगर मैं वहाँ से पकड़ता ना रोड तो मैं भाई अभी ना काफ़ी पीछे रह जाता। लेकिन चलो अपने आगे और दो रेसर आ चुके हैं। भाई ये ट्रक क्यों आ रही है यार इस रेस में, पता नहीं। लेकिन चलो 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 भाई यार, लिटरली मैं पीछे रह चुका हूँ, लम्हार इतना ज़्यादा आगे वैसे भी है, तो यार कोई ना, चलो जीतेंगे तो हम दोनों में से कोई एक ना एक। लेकिन पूरा भाई साहब अभी इस रेस की मजा लेते हुए चलाते गाड़ी को। वैसे ड्रिफ्ट भी काफ़ी सही लग रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ भाई 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 भाई, देखो यार अभी ना मेरे दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने आगे जो बंदा जा रहा है वो अपना ही दोस्त है लमार, तो अगर वो जीते या मैं जीतूँ बात एक ही है, कोई नहीं सीन है। लेकिन यार रेस में पार्टिसिपेशन ऐसे ही नहीं लिए यार कि पीछे रहे या किसी का वेट करे, उससे अच्छा क्यों ना लमार को भी भाई साहब हरा दे और आगे चलते हैं। अपने पीछे से ना अभी कोई एक रेसर आ गया, और ये देखो भाई इसने तो दोनों को भी यहाँ पर ओवरटेक कर दिया है। वैसे लमार भी पीछे रह गया और हम लोग भी अभी थर्ड पोजिशन पर है। लेकिन कोई ना यार, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जो लमार का को ड्राइवर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा भाई साहब पैनिक हो रहा है और गाड़ी को ऐसे तैसे भगा रहा है। भाई साहब लमार को फर्स्ट पोजीशन आना है, और लिटरली यार लमार ने काफ़ी बड़ा धोखा दिया, मतलब उसने हमारे ऊपर भरोसा रखकर अपने किसी दोस्त को ही भाई साहब रेस में इनवाइट कर दिया। लेकिन चलो कोई ना, लमार अभी तू तो बेटे पीछे रहे। और एक सेकेंड, ये कोई ग्रीन गैंग के बंदे है ना। चलो दोनों को मैंने ओवरटेक कर लिया एकदम आराम से, तो अभी कहाँ से जाना है भाई, यहाँ पर ना मेरे को देख कर चलना है, तो यहाँ से मेरे को अपनी गाड़ी को घुमाना है, लेट्स गो। तो अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी को लेकर सीधा हाईवे पे, और ये देखो सारे भाई साहब पीछे रह गए एक सेकंड के लिए। तो चल चल चल, अभी अपना ना पूरा भाई फोकस इस रास्ते पर है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि भाई कहाँ पर जाना है। और फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं टनल में। लेकिन एक मिनट, अभी ना
आप लोगों को हॉर्न भी सुनाता हूँ यार। मैं पूरा ना इस रेस को चिल से खेल रहा हूँ, और ऊपर से आप अपनी गाड़ी भी देख सकते हो, भाई 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 खतरनाक दिख रही है। लेकिन एक झटके में लमार ने अपने को पीछे कर दिया। ओ भैंस की आग तेरी भाई, गलत उतर के मार दूंगा। लेकिन चलो चलो कोई ना, लमार अभी काफ़ी तेज चल रहा है, लेकिन कोई ना, हम लोग उसको ओवरटेक कर सकते हो। और ये देखो, ये गाड़ी कितने पीछे थी और अभी कितने आगे आ चुके हैं। तब भी मैं आप लोगों को बोला था कि इस गाड़ी के ऊपर ना मेरे को डाउट है, लेकिन कोई ना लमार बेटे तू तो गया बेटे। और हेलो ब्रो, बाय बाय बाय। चलो चलो लमार को तो टेक डाउन कर दिया। बस अभी यहाँ से ना मेरे को कहाँ पर, अबे सामने, वेट 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 वेट, मेरे को लगा ही था थोड़ा सा, क्योंकि ना मैंने ना वो टायर्स को देख लिया था। और खिचड़ी मत करो यार, खिचड़ी बना देते एक जगह पर रख कर। लेकिन चलो चलो, इस बंदे को अभी मेरे को पैनिक करना है। भाई काफ़ी सही चला रहे यार ये लोग लो राइडर को। और एक सेकंड, मैंने एक शॉर्टकट मार देता हूँ। अबे तेरी भैंस की आग, पागल है क्या यार, आकर ठूक दिया गाड़ी को। लेकिन चलो कोई ना, ये लोग ना सीधा रास्ते से जाएंगे, उससे अच्छा मैं ना यहाँ से एक कट शॉर्टकट मारता हूँ। और अभी ना मेरे को शायद से लग रहा है आगे से ना कट लेने, तो चलो ये वाला ही वो कट है। बस बस बस, अपनी लो राइडर ने यार काफ़ी स्लिप होती है। और सही बात तो बोलूँ, अब भी ना बारिश भी नहीं हो रही है, और ये देखो दोनों भी आ रहे थे। भाई 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 यार, काफ़ी गलत सीन कर दिया यार। लेकिन चलो कोई ना, इन लोग को ना यार ये रास्ते ना काफ़ी ज़्यादा पता है, क्योंकि देखो यार ये लोग ना इन सब चीज़ों में ट्रेन है, और हर साल ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस रेस में। तो इसके वजह से यार ये लोग के ना हाथ में ये पूरा भाई रास्ता बैठ चुका है। लेकिन यार हम भी थोड़ी कम है यार, वैसे भी हम लोग इन लोग को ना इलेमिनेट कर सकते हैं। बस ना मुझे अपनी इस लो राइडर की स्पीड को ही फुल कंट्रोल रखना है, बस ये स्लिप ना हो ऐसे। और ओ कोई तो गन वगैरह फायर कर रहा है ना, बैस क्या, ये देखो इनकी गाड़ी भी पलट गई। और फिर वेट 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 वेट, भाई ये पूरे वेगास के गैंग ने यहाँ पर पहली से फील्डिंग कर दी। और भाई 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 भाई, 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 भाई। यार अपनी गाड़ी यहाँ पर पूरी तरह से भाई मिस बैलेंस, लिटरली वेगास वालों ने ना काफ़ी गंदा हम लोग की फील्डिंग लगाकर भाई बैंड बजाई है। लेकिन कोई ना, यहाँ पर ना अभी मैं पूरा फोकस लगाकर चलाने वाला हूँ गाड़ी को, क्योंकि देखो यार यहाँ पर ना दो बंदे अभी भी आ गए, सेकेंड पर लमार है, थर्ड पर हम लोग हैं। और मुझे कुछ भी करके ना अपनी गाड़ी को कैसे भी करके फर्स्ट पर लाना है। और चलो चलो मैं ये काम कर सकता हूँ, बस अपनी लो राइडर ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यार ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन यार कोई ना, वो सामने में देख सकता हूँ यार स्टार्ट एंड फिनिश का लाइन, बट लेट्स गो, फाइनली ये बंदा जीत गया यार। और इसी के साथ हम लोग सेकेंड आ गए, लमार थर्ड आ गया, और ये जो ग्रीन गैंग का बंदा था ना ये फोर्थ आया। पता नहीं ये कौन सी गैंग है यार। और एक मिनट, यहाँ पर कोई फायर कर रहे, तेरी ऐसी की तैसी भाई, इस लड़की को मारो। ये ना बेलास गैंग के बंदे, ये लोग हारने के बाद सीधा गोली चला रहे। लेकिन ना मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो यार हम लोग तो इस रेस को हार चुके हैं, और लमार भी हमारे ऊपर काफ़ी गुस्सा करेगा यार, क्योंकि उसको हमारे ऊपर विश्वास था। बट देखो यार लमार ने भी हमारे ऊपर गद्दारी करी थी, तो कोई ना यार, जैसे करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। बट अभी मैं अपनी लो राइडर को लेकर सीधा जा रहा हूँ भाई साहब वेगास के अड्डे पे, और जाकर सभी को ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि यार देखो उन लोग ने वहाँ पर ना फील्डिंग लगाकर काफ़ी गलत सीन करा। तो चल भाई, अब तो भाई वेगास का पूरा भाई नाम ही खल्लास। डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग अड्डे पे उन लोग के डायरेक्ट जाएंगे ना, तो वो लोग सीधा हम लोग के ऊपर फायर कर सकते। तो उससे अच्छा ना अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगाता हूँ। देख रहे हो यार इन लोग ने ना हमारे सामने का विंड स्क्रीन भी तोड़ दिया है। और ये मुर्गी क्या कर रही है भाई यहाँ पे, ये देखो यार कितना नुकसान करा है, और कहाँ पे टायर पे घुसी जा रही है, पागल मुर्गी रहेगी यार। इसका चिकन डिनर बना दूँ क्या? लेकिन एक मिनट, पहले वेगास को ख़त्म करेंगे, उसके बाद चिकन डिनर को बनाएंगे। तो AK-47 मैंने हाथ में ले लिया है, तो यहाँ पर ही वो सारे अभी के अभी खड़े। देखो तो एक काम करता हूँ, ऊपर से ही सीधा चलता हूँ और डायरेक्ट अटैक करने वाला हूँ। ये देखो ये छत पर बंदे खड़े ना, इसकी ऐसी की तैसी भाई ये गया। ओके साइलेंट किल, किसी को पता ही नहीं चला, देख रहे हो। और ये भी यहाँ पर है, इसको भी लो। ओके चलो, यहाँ पर अभी देखो सामने के बंदे ने देख लिया। लेकिन कोई ना, आ जाए तेरी ऐसी की तैसी, और कहाँ से आओगे भाई, पूरा भाई फील्डिंग लगाकर यहाँ पर मार रहा था ना। चल चल, इसको भी लिया, इसको भी लिया। ओ खड़े कैसे होगा बेटे, लेट्स गो, इसको भी लिया। आगे चलते अभी, उन लोग की सारी जो गाड़ी ना सामने। और ये देखो माई, ओह भाई यार कुत्ते को छोड़ दिया इन लोग ने। अब देखो यार मैं कुत्ते को मारूंगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम यार मारा था तो काफ़ी गलत लगा था। लेकिन ये लोग ना डायरेक्टली कुत्ते को छोड़ देते तो काफ़ी गलत सीन है। लेकिन एक मिनट, तेरी भैंस के भाई किधर देख रहे हैं, पीछे देख ले बेटे। तो लेट्स गो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऑल राइट, इसको भी ले लिया, कवर लेते हैं। रेंगते रेंगते आ रहे, मत्ते पे शॉटगन खाएगा, आ जा भैंस के, तेरे को भी लेता हूँ। और भाई वो कुत्ता अपने ही भाई मालिक के ऊपर जाकर काट रहा है, वो मेरे पे आ रहा है, भाग 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 भाग।
ऑलराइट, तो फाइनली मेरे को लग रहा है मैंने ना सारे वेगास को खत्म तो कर दिया है, बट नहीं बदला है, ऐसा नहीं होगा भाई। फील्डिंग लगाकर काफी गलत करा था भाई, वो लोग चाहते थे कि उन लोग की जो गैंग थी ना वेगास की रेसिंग में वो जीते, लेकिन यही गाड़ी लेकर ये लोग आए थे ना सारे के सारे यहाँ पर जितने भी लो राइडर्स हैं ना इन लोग के, भाई आज तो भाई खत्म ही खत्म। एक यहाँ पर भी डाल देता हूँ बस, अभी एक मिनट थोड़ा सा मैं ना साइड में चले जाता हूँ, वरना पता चले भाई उड़ के गाड़ी हमारे ऊपर आ जाए। तो एक मिनट, ये वाली जगह प्रॉपर है तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो चलो ऑन द काउंटडाउन ऑफ 3, 2, 1 और यहाँ पर कर देते ब्लास्ट भाई, सब खतरनाक भाई नुकसान करके जा रहा हूँ। सामने दो, ओ वो देखो वहाँ पर कुछ वेगास के बंदे, पता ही नहीं, लेकिन चलो एक ग्रेनेड लॉन्चर गया खत्म। और यहाँ पर ये वाली गाड़ी को भी मैं सोच रहा हूँ ना ख़त्म ही करूँ, लेकिन थोड़ा दूर जाके, और नहीं 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 काफ़ी गलत एम लगा, ओबे फूटी नहीं रही। लेकिन एक मिनट, सामने से कुछ बंदे आ गए, मैंने देख लिया, आजा आजा निकल निकल बेटे बाहर, ओके लेट्स गो। कचरे के डब्बे से छुप कर मारेगा, एक गंजी वाला भी आया उसको भी ले लिया, और दो गंजी वाले आए भाई साहब, दोनों के भाई भाई देखे, एक सफ़ेद पहनेगा तो एक काली वाली। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन तो मैंने कर दिया, तो अभी एक काम करता हूँ सीधा यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता फायर ब्रिगेड वाली नहीं, निकल 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 निकल, दोनों को ले लिया भाई साहब, जिधर आग लगती है 2 मिनट में आ जाता है, और तेरे को क्या अलग समझाओ बेटे, आ जा। चलो इन सभी को ले लिया, अभी निकलते, और भाई यार वेट वेट, ये लोग कहाँ कहाँ पर फैल कर अटैक करते ना पता ही नहीं चलता, मतलब यार है तो अड्डा इन लोग का एकदम छोटा सा, लेकिन भाई साहब यार आते कहाँ कहाँ से यार पता नहीं। जब लास्ट टाइम भी मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर चुराने के लिए आया था, मतलब उठाने के लिए आया था, गाड़ी तो अपनी इन लोग ने चोरी करी थी, तब भी भाई साहब कहाँ कहाँ से छुप के अटैक कर रहे थे। लेकिन चलो फाइनली अभी ना सीधा चलते घर पे चलते यार, क्योंकि अभी दूसरा वैसे भी अपने पास कोई काम नहीं है, तो घर पे ही जाना सबसे बेस्ट रहेगा, जाकर आराम वगैरह करते, अभी काफ़ी थक भी चुका हूँ, तो मस्त सा चलकर आराम वगैरह करते। तो लेट्स गो गाइस, पूरी लो राइडर को मस्त भगाते हुए पहुंचते अपने घर पे। ओके गाइस चेक दिस आउट, ये कितना क्रेजी लग रहा है भाई साहब, मैं आगे को ना बिल्ली मारते मारते लेकर जा रहा हूँ, लेकिन काफी सही लग रहा है यार ये भी करने के लिए। बट अभी ना घर जाने के बावजूद मुझे इस गाड़ी को लेकर जाना है सीधा मार्टिन मद्रासो के घर पे, क्योंकि अभी अभी मुझे मार्टिन मद्रासो का कॉल आया था, और मार्टिन मद्रासो ने हमें मिलने के लिए बुलाया हुआ है। अभी देखो मेरे दिमाग में ना काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मार्टिन मद्रासो के घर से हम लोग ने गोल्डन एक को चोरी करा है, और मार्टिन मद्रासो हमें किसी काम से, किसी इंपॉर्टेंट काम से मिलने के लिए अपने रेंच पर बुला रहा है। ऑल राइट सो हियर वी गो, फाइनली गाड़ी को लेकर मैं आ चुका हूँ मार्टिन मद्रासो के रेंच पर। तो अभी सीधा गाड़ी को लेकर चलते अंदर, और पता करते कि मार्टिन मद्रासो ने हमें तुरंत अपने रेंच पर क्यों बुलाया है। और एक सेकेंड, यहाँ पर कोई एम्बुलेंस वगैरह आ चुके है, कुछ सीन तो हुआ है गारंटी है, क्या पता यार मार्टिन मद्रासो गोल्डन एक को खोने से शायद सदमे में गया होगा, और इसके वजह से भाई साहब एम्बुलेंस विम्बुलेंस यहाँ पर आई है। लेकिन नहीं यार, वो देखो वहाँ पर खड़ा है एकदम मस्त तरीके से, लेकिन उसके साथ कोई व्हील चेयर पर बैठा है, अब वो बंदा कौन है मेरे को नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। लेकिन वेट अ सेकेंड, यहाँ पे ये गोल्डन एग क्या कर रहा है, जबकि हम लोग ने गोल्डन एग को लेस्टर के साथ लिबर्टी को सेंड करा है, और यहाँ पे एक और गोल्डन एग है जो कि मार्टिन मद्रासो के बगल में खड़ा है। भाई साहब यार क्या सीन है, यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गाइस हमारे साथ एक काफी बड़ा स्कैम हो चुका है, और मार्टिन मद्रासो ने जो यहाँ पर दिमाग लगाया ना उसके बाद तो लिटरली यार हम लोग काफ़ी गलत फंस गए। मतलब यार मार्टिन मद्रासो को पहले से पता था कि उसके गोल्डन एग को कोई ना कोई घर से चुराने वाला है, यानी उसका कोई अपना बंदा ही उसको चुराएगा, ये उसको पता है। और उसने क्या करा पता है, जहाँ पर रियल गोल्डन एग था वहाँ पर चलकर उसने फर्जी गोल्डन एग को जाके पहले रख दिया, और हम लोग ने कुछ टाइम के बाद ही जाके वो जो चोरी करा ना गोल्डन एग, वो कोई रियल नहीं था, वो फर्जी वाला गोल्डन एग था। तो यहाँ पे यार लिटरली मार्टिन मद्रासो ने अपने दिमाग को काफ़ी तगड़ा लगाया, लेकिन मार्टिन मद्रासो बोल रहा है कि अभी हम लोग को इस गोल्डन एग को लेकर जाना है एक आइलैंड पर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया रहता है, और पता है उसका नाम क्या है, गॉडफादर। तो यस उसी के साथ जाकर हमें ये गोल्डन एग को डील करना है। एक्चुअली ये गोल्डन एग मार्टिन मद्रासो गॉडफादर को सेल करने वाला है,
और हम लोग ये समझ कर भाई गोल्डन एक को म्यूजियम से चुराए कि मार्टिन मद्राजो को चाहिए, लेकिन भाई साहब मेन तो चाहिए गॉडफादर को, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। और अभी साथ में मार्टिन मद्राजो हमें उसी कायो पेरिको आइलैंड में लेकर जा रहा है गॉडफादर से मिलाने को, क्योंकि गॉडफादर को भी पता करना है कि कौन बंदा है जिसने उस म्यूजियम से गोल्डन एक को चुरा लिया। लेकिन ये जो सामने आप व्हील चेयर पर बंदा देख रहे हो ना, ये बंदा अगर इस व्हील चेयर से उठ गया ना, तो समझ लो ये अपना मुंह खोलकर मार्टिन मद्राजो को बता सकता है कि वो जो फर्जी गोल्डन एग है उसको हम लोग ने ही चुराया था, और ये वही बंदा है जिसको हम लोग ने वॉल्ट में एक बहुत खतरनाक करंट वाली जो गन थी उससे भाई साहब इसको करंट दिया था, और ये अभी ना पैरालाइज हो चुका है और इसको अभी ना हॉस्पिटल में लेकर जाने वाले। लेकिन देखो यार, अभी ना सबसे पहले ना मेरे को ना लेस्टर को बताना है कि भाई हमारे साथ ना काफ़ी बड़ा गलत स्कैम हो चुका है। लेकिन उसको बताने से पहले मुझे एक काम करना है। देखो वो बंदा उठने से पहले ना हम लोग उसको उठा देंगे, तो यहाँ पर ना यही एम्बुलेंस है जिससे वो जाने वाला है, तो फटाफट से ना मेरे को बस एक काम करना है, अपने पास ना स्टिकी बॉम्ब पड़ा है, लेट्स गो। तो एक स्टिकी बॉम्ब को मैं बस इस व्हीकल पे चिपकाने वाला हूँ ताकि ये लोग जब गाड़ी को लेकर जाएंगे ना तो हम लोग बटन को दबाकर ब्लास्ट कर देंगे। और अभी रही बात, तो मुझे ना पहले लेस्टर को अभी ना फ़ोन करके बताना है कि हमारे साथ काफ़ी बड़ा स्कैम हो चुका है। मैंने यहाँ पर ना काफ़ी कॉल करे लेस्टर को, लेकिन लेस्टर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और फ्रैंकलिन का भाई लाइन बिजी आ रहा है। पता नहीं यार दोनों को अभी मैं कैसे कॉन्टैक्ट करके ये बात बताऊँ कि यार जो तुम्हारे पास गोल्डन एग है वो लिटरली यार फर्जी है, यानी कि डुप्लीकेट है, और जो ओरिजिनल वाला है वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर में रखा हुआ है, और इसको लेकर अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा कायो पेरिको। अब देखो यार मुझे नहीं पता कि अभी आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, बट हाँ जो भी है अभी आगे ही पता चलेगा। तो चलो गाइस, फिलहाल आज वाले एपिसोड को बस यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। यार काफ़ी सही वाला ये एपिसोड बन चुका है, और अभी देखो आप लोग मुझे बताओ कि क्या हम लोग लेस्टर और फ्रैंकलिन को कैसे बताएं कि तुम्हारे पास जो गोल्डन एग है वो फर्जी वाला है। तो मुझे तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक बात है कि हम लोग अभी जा रहे कायो पेरिको, जहाँ पर हम लोग गॉड फादर से मिलने वाले, और उसको हम लोग देखेंगे कि वो है कौन। मतलब एक फ़ायदा तो हो रहा है लेकिन दूसरा नुकसान भी हो रहा है। बातों बातों में मैं भूल गया कि यार वो जो एम्बुलेंस वाला स्टिकी बॉम्ब है ना उसको दबाना ही भूल गया, तो मैंने उसको दबा दिया है, और ये देखो कहाँ तो वो फूटा है लेकिन उसका साउंड यहाँ तक सुनने को आया था। तो चलो गाइस अभी पहुंचते सीधा कायो पेरिको आइलैंड में और आगे का काम को करते। जब तक लेस्टर का भी कॉल नहीं आता है तब तक भाई हम लोग उसको बता भी नहीं सकते। तो चलो गाइस यार आज वाले एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आ गया होगा तो फटाफट जाकर यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा कर देना ऑल पर। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना आपके फ्रेंड लोग के साथ, और उन लोगों को भी बोल देना कि कर दो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मेरे साथ और मस्त तरीके से कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर गेम्स के अपडेट एंड वगैरह देते रहता हूँ। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट टैप करो, इंस्टाग्राम पर आओ, फॉलो करो और बस मजे करेंगे। तो चलो गाइस मिलता हूं आप लोगों को ऐसे नए वाले अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।